हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है जर्सी जर्सी फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से सैटेलाइट चैनल कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर मैं डिटेलिंग देने वाला हूँ साथ ही में फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग मिलने वाली है इसी के साथ फिल्म की स्टोरी के ऊपर एनालिसिस करेंगे एक्सप्लेनेशन करने वाले टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करेंगे परफॉर्मेंसेस के ऊपर बातचीत करेंगे रिमेक और ओरिजिनल वर्जन के ऊपर कंपैरिजन करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं जर्सी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जहां पे स्पोर्ट के साथ जोड़कर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है और ये फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक फिल्म थी जिसका नाम भी जर्सी था उसका ऑफिशियल रीमेक है फिल्म के डायरेक्टर है गौतम तिन्ना नूरी जहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले गौतम तिन्ना नूरी कह ही है वहीं पर डायलॉग्स लिखे हुए सिद्धार्थ गरिमा ने प्रोड्यूसर्स की बात करें तो दिल राजू अल्लू अरविंद सूर्यदेव नारायण नागा वामसी और अमन गिल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे अल्लू एंटरटेनमेंट तिलराजू प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट और ब्रेड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है बालाजी मोशन पिक्चर्स पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट और यशराज फिल्म जहाँ पे यशराज फिल्म ने इस फिल्म को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे, पे पेन मरुदकर ने और बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इंडिया में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर पंकज कपूर और रवनीत कामरा आपको लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं वहीं पे गीतिका मेहरानदुर रुदांत श्री मजमूदार अंजुम बात्रा ऋतुराज सिंह विनय वर्मा और प्रीत कामनी आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिसके बदौलत फिल्म की कहानी को एक बढ़िया सा मोड़ दिया हुआ है इमोशनली और स्पोर्ट्स के लेवल पे काफी बढ़िया तरीके से फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बात करें तो 22 अप्रैल 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जिसका रन टाइम था 170 मिनट यानी कि यह फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है यानी कि 12 साल से बड़े सभी लोग इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर पाएंगे जहाँ पे थिएटर में जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था उसको लोगों ने पहले ही यूट्यूब पे ऑफिशियली देख लिया था जिसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है तो उस वजह से इस फिल्म का उतना कुछ मार्केट में क्रेज नहीं बना था वैसे तो फिल्म का काफी बढ़िया क्रेज था अच्छा खासा कलेक्शन भी कर जाती लेकिन फिल्म बार बार पोस्टपोन हुई थी जिस वजह से जिस तरह से मार्केटिंग फिल्म की की गई थी जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट सेट किए गए थे वो पूरी तरह से फेल गए थे और इसका सीधा असर आपको आई पे भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को करीबन 4800 वोट मिले हुए हैं आई पे जिसमें से 6.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था जहां पे इस रिस्पांस के चलते फिल्म के कुछ ऐसी चीजें जहां पे स्क्रीन प्ले फिल्म की जो बोरियत कुछ स्टोरी में कुछ जगह पे बोल बोरियत तो महसूस होते वो कुछ जगह है जहां फिल्म को क्रिटिसाइज किया हुआ था वहीं पे फिल्म की, की, की गई ठाकुर को बालिका रोल प्ले किया है जो अर्जुन के कोच है रोनित कामरा ने यंगतन तलवार यानी कि रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के बेटे गीतिका मेहरा ने जस्लिन शेरगिल का रोल प्ले किया हुआ है रुद्र सिंह मजमूदार ने रुद्र जुनेज का रोल प्ले, प्ले किया हुआ है अंजुम बात्रा ने अमृत यानी कि अर्जुन की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह ने महेश करमदार कोच का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा ने कृष्णा राव यानी कि विद्या तलवार के फादर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रीत कामनी ने केमियो केमियोपेर दिया हुआ है एडल्ट केतन तलवार यानी कि किट्टू के रोल में तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने ये किरदार प्ले किए हुए थे जहां पे फिल्म की कहानी काफी सिंपल थी शाहिद कपूर का जो किरदार है अर्जुन तलवार वो एक क्रिकेटर है और वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है जो रणजी मैच खेलता आ रहा है दुलीप ट्रॉफी जीती हुई है अचानक दस साल के बाद की कहानी दिखाई दी जाती है जहाँ पे उसकी उम्र छत्तीस साल हो चुकी है उसका एक बेटा है और साथ ही में उसकी एक वाइफ है जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी बाद में उसकी वाइफ बनी और उनका एक बेटा है जो क्रिकेट खेलता है पढ़ाई करता है जो अपने पापा से काफ़ी क्लोज है एक दिन अपने बर्थडे के मौके पर वो अर्जुन से इंडियन टी नेशनल टीम की जर्सी मांग लेता है जिसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो स्पोर्ट्स स्टोर में अवेलेबल है जिसकी प्राइस है पाँच सौ रुपये तो अब अर्जुन के पास वो पाँच सौ रुपये भी नहीं है कि जो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर पाए तो उसके पीछे काफी जो मशक्कत तो करता है और उसके बाद में वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो फिर से क्रिकेट ज्वाइन करेगा जो छब्बीस साल की उम्र में उसने छोड़ा हुआ था तो अब वो फिर से छत्तीस साल की उम्र में क्रिकेट ज्वाइन करेगा उसके बाद में वो जिस तरह से क्रिकेट खेलता है उसके बाद में किस तरह से वो इंडियन टीम तक सेलेक्क होगा या नहीं होगा रणजी में उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में छत्तीस साल की उम्र यानी एक ऐसी एज मानी जाती है जहाँ पे करियर ख़त्म होने के कगार पे होता है तो अब उसी टाइम पे वो अपना करियर की सेकंड इनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे क्लाइमेक्स में एक खतरनाक धमाका देखने को मिलेगा फिल्म इमोशनली काफ़ी परफेक्ट है इमोशंस को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जहाँ पे फादर सन का जो इमोशन है साथ ही में हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्रिकेट के प्रति जो प्यार दिखाया हुआ है जिस तरह से इन सभी चीज़ों को छोटे छोटे पलों को जिस तरह से डायरेक्टर ने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया है वहाँ पर गौतम तिन्ना नूरी ने पूरे पॉइंट जीते हुए लेकिन इस फिल्म को दो घंटे पचास मिनट का बनाया हुआ है जहाँ पे एडिटर की एडिटिंग की हुई है नवीन नुल्ली ने जिनको इस फिल्म को थोड़ा छोटा करना चाहिए था उन्होंने काफ़ी बड़ा रख दिया है जहाँ इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंदर ने किया हुआ है और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए सचेत परम्परा ने फिल्म के गाने बढ़िया है जहाँ पे सॉन्ग्स में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे मेहरम मैया मेनू बलिया रे और जिंद मेरी है जिसकी टोटल लेंथ है चौदह मिनट तिरतालीस सेकंड और ये सभी वर्जन आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे वीडियो ऑडियो दोनों फॉर्मेट में गानों को रिलीज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको क्रिएट किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने जहाँ पे ओरिजिनल जो तेलुगु वर्जन है वहीं से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उठाया हुआ है सेम बैकग्राउंड स्कोर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है और अनिरुद्ध रविचंदन ने ही ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म की जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि जर्सी जिसको 2019 में तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और वो वहाँ की एक कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे उस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे साथ ही में नानी जो फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी उस फिल्म को गौतम तिनानूर ने ही लिखा और डायरेक्ट किया होता और प्रोडक्शन कंपनी सितारा एंटरटेनमेंट ही थी वहीं पे एडिटर और म्यूजिक डायरेक्टर भी सेम थे नवीन नुल्ली और अनिरुद्ध रविचंद्र लेकिन वो फिल्म एक मिनट तो की थी और ये फिल्म थी एक मिनट की ये फिल्म दस मिनट बड़ी थी जहाँ पे जो तो दस मिनट बड़ी रखी हुई फिल्म में वहीं पर कुछ ऐसे मोमेंट है जिसको चॉप आउट किया जा सकता था इसके अलावा उस फिल्म को उन्नीस दो हजार को जब रिलीज किया गया यूएस सर्टिफिकेट के साथ 25 करोड़ के बजट के साथ तो उस टाइम पे फिल्म ने 55 करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था और नानी के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट दाइस्ट फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे वहाँ पे नानी श्रद्धा श्रीनाथ रोनित कामराज जो छोटे बच्चे का रोल है वो भी दोनों फिल्म में सेम है सत्यराज विश्वनाथ दादमपोड़ी सानु शा संपत राज सभी ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी काफी बढ़िया तरीके से दी हुई थी जिस वजह से तेलुगु लैंग्वेज में फिल्म काफी चली थी और उसके बाद में फिल्म का हिंदी में ऑफिशियल रिमेक बनाया गया पे प्रोड्यूसर सेम थे कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट सेम था इसके अलावा कुछ कास्ट में चेंजेस किए गए जहां पे शाहिद कपूर को लेकर इस फिल्म कहानी से की कहानी सेट की गई थी और फिल्म को ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया वो था दो के ही टाइम पे जहाँ पे फिल्म वो अर्जुन रेड्डी की रीमेक आई हुई थी कबीर सिंह हिट होने के बाद इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे पता चला था कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना शायद हो सकती है श्रद्धा कपूर को भी कंसीडर किया जा रहा था शायद कपूर के अपोजिट लेकिन जब ऑफिशियल 14 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल कास्ट और क्रियो अनाउंस किया तब पता चला कि मोनाल ठाकुर को फाइनल किया हुआ है शायद कपूर के अपोजिट जहाँ पे शाहिद के फादर वो एक कोच मूर्ति वाला किरदार प्ले करने वाले पंकज कपूर ने जो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल उससे पहले जो, जो सत्यराज ने प्ले किया हो था वही रोल पंकज कपूर ने इसमें बाली के नाम से प्ले किया हुआ था कोच का किदा फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 14 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में की गई थी जनवरी 2020 तक फिल्म के कई परसेंट शूटिंग कंप्लीट कर दी गई थी पेंडेमिक पेंड़, के दौरान फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था बाद में अक्टूबर महीने तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और देहरादून में में फिल्म की शूटिंग के कई सीक्वेंस शूट किए गए थे कुछ स्कूल में शूट किए गए थे कुछ ग्राउंड पे तो इस तरह से पूरी फिल्म की शूटिंग 14 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवा दी

तो इस फिल्म के यानी कि जर्सी फिल्म के जो तेलुगू वर्जन है उसके ओ राइट्स ख़रीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने जहाँ पर अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को ऑफिशियली उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सॉरी जर्सी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सोनी लिव सोनी लिव वालों ने बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप जर्सी फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो अदरवाइज इस फिल्म के दूसरे वर्जन है उसको हॉटस्टार पे भी अवेलेबल किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं गोल माइंस टेली फिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग करवा दी है और उन्होंने इस फिल्म को यानी कि जर्सी के ओरिजिनल वर्जन को जर्सी के ही नाम से उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि गोल माइंस के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने जिन्होंने ओ राइट्स को अच्छे खासे प्राइस में खरीदा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को 20 मई 2022 के बाद उन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिया था तो नेटफ्लिक्स के ऊपर फिलहाल में ये फिल्म आपको जर्सी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नानी वाली जो तेलुगु वर्जन की जर्सी है वो आपको सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर विथ सब uh, बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है तेलुगु वाले का जो डब्ड वर्जन है वो आपको गोल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी में देखने को मिलेगा इसके अलावा हिंदी वर्जन यानी कि शाहिद कपूर वाले की, की जर्सी फिल्म है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप ये सभी वर्जन इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर जैसी फिल्म के टेलीविजन के राइट्स है वो जी एंटरटेनमेंट ने खरीदे हुए तो आने वाले कुछ समय में जी सिनेमा चैनल के ऊपर भी आपको जैसी फिल्म हिंदी में देखने को मिल जाएगी तो गाइज इस तरह से जैसे आप सभी वर्जन में देख सकते हो बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जैसी फिल्म ने पहले दिन पे पौने चार करोड़ का ओपनिंग डे किया हुआ था कलेक्शन वहीं पे साढ़े पाँच करोड़ दूसरे दिन पे किए हुए थे तीसरे दिन पे भी साढ़े पाँच करोड़ फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस तरह से चौदह करोड़ पिचहत्तर लाख का फिल्म ने वीकेंड किया हुआ था वहीं पे सात मई दो तक फिल्म ने बाईस करोड़ पैंसठ लाख का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे चार करोड़ सैंतालीस लाख का ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन फिल्म का सत्ताईस करोड़ बारह लाख

उसको पहले अट्ठाईस अगस्त दो को सेट किया गया था बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से चेंज करते हुए पाँच नवंबर दो को सेट किया गया और बाद में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे उसकी वजह से इकतीस दिसंबर दो को फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया था लेकिन फिर से ओमिक्रॉन वायरस के चलते फिल्म को पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में चौदह अप्रैल दो की डेट फाइनलाइज़ की गई लेकिन तब तमिल लैंग्वेज की बेस्ट और के जी कन्नडा वर्जन की फिल्म के चैप्टर टू दोनों फिल्म का बस काफ़ी बड़ा था दोनों मार्केट में काफ़ी बड़ी फिल्में थी तो उसके सामने फिल्म के हो रही थी जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए एक वीक लेटर बाईस अप्रैल दो को रिलीज किया गया जहां पर फिल्म ने 28 से तीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन दिया हुआ है लाइफ टाइम का तो ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म उसी वजह से साबित हुई थी अदरवाइज फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यू हासिल किया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी लेकिन कुछ रीजन्स के चलते कुछ ऐसी सिचुएसन बनी जिसके चलते फिल्म थिएटर में नहीं चली अदरवाइज अगर रेगुलर दो के टाइम के आसपास ये फिल्म आती जिस तरह से कबीर सिंह आई थी तो ये फिल्म भी दो करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती थी अगर आपको अभी फिलहाल में फिल्म जैद कपूर वाली जर्सी देखनी है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो वहां पे एंजॉय कर पाओगे और तेलगु का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको यूट्यूब पे गोलम के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप तेलुगु हिंदी डब्ड और हिंदी वर्जन की जर्सी फिल्म देख सकते हो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से जर्सी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जहां पे स्पोर्ट्स के साथ जोड़कर इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है और ये फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक फिल्म थी जिसका नाम भी जर्सी था उसका ऑफिशियल रीमेक है फिल्म के डायरेक्टर है गौतम तिन्ना नूरी जहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले गौतम तिन्ना नूरी के ही है वहीं पर डायलॉग्स लिखे हुए सिद्धार्थ गरिमा ने प्रोड्यूसर्स की बात करें तो दिल राजू अल्लू अरविंद सूर्यदेव नारायण नागा वामी और अमन गिल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे अल्लू एंटरटेनमेंट दिल प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट और ब्रेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है बालाजी मोशन पिक्चर्स पेन मरूदकर इंटरटेनमेंट और यशराज फिल्म जहाँ पर यशराज फिल्म ने इस फिल्म को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे पेन मरूदकर ने और बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इंडिया में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर पंकज पुरो रोनित कामरा आपको लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं वहीं पे गीतिका मेहरानदुर रुदंत श्री मजमूदार अंजुम बात्रा ऋतुराज सिंह विनय वर्मा और प्रीत कामनी आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ आर्टिस्ट हैं जिसके बदौलत फिल्म की कहानी को एक बढ़िया सा मोड़ दिया हुआ है इमोशनली और स्पोर्ट्स के लेवल पे काफी बढ़िया तरीके से फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बात करें तो 22 अप्रैल 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जिसका रन टाइम था 170 मिनट यानी कि यह फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है यानी कि 12 साल से बड़े सभी लोग इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर पाएंगे जहाँ पे थिएटर में जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था उसको लोगों ने पहले ही यूट्यूब पे ऑफिशियली देख लिया था जिसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है तो उस वजह से इस फिल्म का उतना कुछ मार्केट में क्रेज नहीं बना था वैसे तो फिल्म का काफ़ी बढ़िया क्रेज़ था अच्छा खासा कलेक्शन भी कर जाती लेकिन फिल्म बार बार पोस्टपोन्ड हुई थी जिस वजह से जिस तरह से मार्केटिंग फिल्म की की गई थी जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट सेट किए गए थे वो पूरी तरह से फैल गए थे और इसका सीधा असर आपको आई एम डी भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को करीबन 4800 वोट मिले हुए IMDb पे से की रेटिंग हासिल हुई है में पे जिसमें से क्रिटिक्स और ऑडियंस की रेटिंग से कुछ, कुछ जगह पे बोरियत महसूस होती है तो वो कुछ जगह है जहाँ पे फिल्म को क्रिटिसाइज किया हुआ था वहीं पे फिल्म की परफॉर्मेंसेज की काफी तारीफ की गई थी इस फिल्म में आपको शाहिद कपूर अर्जुन तलवार के रोल में दिखाई देंगे मृणाल ठाकुर को विद्या राव तलवार यानी कि अर्जुन की वाइफ का रोल दिया हुआ है पंकज कपूर ने बालिका रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के कोच है रोनित कामरा ने यंग केतन तलवार यानी कि किट्टू का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के बेटे गीतिका मेहरांद्रो ने जसलिन शेरगिल का रोल प्ले किया हुआ है रुद्र सिंह मजमूदार ने रुद्र जुनेजा का रोल प्ले किया हुआ है अंजुम बात्रा ने अमृत यानी कि अर्जुन की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह ने महेश करमदार यानी कि मुंबई के कोच का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा ने कृष्णा राव यानी कि विद्या तलवार के फादर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रीत कामनी ने एक केम्योपेरेंस दिया हुआ है एडल्ट केतन तलवार यानी कि किट्टू के रोल में तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने ये किरदार प्ले किए हुए थे जहाँ पे फिल्म की कहानी काफ़ी सिंपल थी शाहिद कपूर का जो किरदार है अर्जुन तलवार वो एक क्रिकेटर है और वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है जो रणजी मैच खेलता आ रहा है दुलीप ट्रॉफी जीती हुई है अचानक दस साल के बाद की कहानी दिखाई दी जाती है जहाँ पे उसकी उम्र छत्तीस साल हो चुकी है उसका एक बेटा है और साथ ही में उसकी एक वाइफ है जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी बाद में उसकी वाइफ बनी और उनका एक बेटा है जो क्रिकेट खेलता है पढ़ाई करता है जो अपने पापा से काफ़ी क्लोज है एक दिन अपने बर्थडे के मौके पर वो अर्जुन से इंडियन टी नेशनल टीम की जर्सी मांग लेता है जिसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो स्पोर्ट्स uh, स्टोर में अवेलेबल है जिसकी प्राइस है पाँच सौ रुपये तो अब अर्जुन के पास वो पाँच सौ रुपये भी नहीं है कि जो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर पाए तो उसके पीछे काफ़ी जो मशक्कत तो करता है और उसके बाद में वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो फिर से क्रिकेट ज्वाइन करेगा जो छब्बीस साल की उम्र में उसने छोड़ा हुआ था तो अब वो फिर से छत्तीस साल की उम्र में क्रिकेट ज्वाइन करेगा उसके बाद में वो जिस तरह से क्रिकेट खेलता है उसके बाद में किस तरह से वो इंडियन टीम तकसीक होगा या नहीं होगा रणजी में उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में 36 साल की उम्र यानी एक ऐसी एज मानी जाती है जहां पे करियर ख़त्म होने के कगार पे होता है तो अब उसी टाइम पे वो अपना करियर की सेकंड इनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहां पे क्लाइमेक्स में एक खतरनाक धमाका देखने को मिलेगा फिल्म इमोशनली काफ़ी परफेक्ट है इमोशंस को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जहाँ पे फादर सन का जो इमोशन है साथ ही में हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, क्रिकेट के प्रति जो प्यार दिखाया हुआ है जिस तरह से इन सभी चीज़ों को छोटे छोटे पलों को जिस तरह से डायरेक्टर ने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया है वहाँ पर गौतम तिन्ना नूरी ने पूरे पॉइंट जीते हुए लेकिन इस फिल्म को दो घंटे पचास मिनट का बनाया हुआ है जहाँ पे एडिटर की एडिटिंग की हुई है नवीन उल्ली ने जिनको इस फिल्म को थोड़ा छोटा करना चाहिए था उन्होंने काफ़ी बड़ा रख दिया है जहाँ इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंदन ने किया हुआ है और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए सचेत परंपरा ने फिल्म के गाने बढ़िया है जहाँ पे सॉन्ग्स में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे मेहरम मैया मेनू बलियारे और जिंद मेरी है जिसकी टोटल लेंथ है चौदह मिनट तैंतालीस सेकंड और ये सभी वर्जन आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में गानों को रिलीज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको क्रिएट किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने जहाँ पे ओरिजिनल जो तेलुगु वर्जन है वहीं से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उठाया हुआ है सेम बैकग्राउंड स्कोर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है और अनिरुद्ध रविचंदन ने ही ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म की जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि जर्सी जिसको 2019 में तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और वो वहाँ की एक कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे उस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे साथ ही में नानी जो फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी उस फिल्म को गौतम तिन्ानूर ने ही लिखा और डिलीट किया होता और प्रोडक्शन कंपनी सितारा एंटरटेनमेंट ही थी वहीं पर एडिटर और म्यूजिक डायरेक्टर भी सेम थे नवीन नुल्ली और अनिरुद्ध रविचंद्र लेकिन वो फिल्म एक मिनट की थी और ये फिल्म थी एक मिनट की ये फिल्म दस मिनट बड़ी थी जहाँ पे जो दस मिनट बड़ी रखी हुई फिल्म में वहीं पर कुछ ऐसे मोमेंट है जिसको चॉप आउट किया जा सकता था इसके अलावा उस फिल्म को उन्नीस अप्रैल दो को जब रिलीज किया गया यूएस सर्टिफिकेट के साथ 25 करोड़ के बजट के साथ श्रद्धा श्रीनाथ रोनित कामराज जो छोटे बच्चे का रोल है वो भी दोनों फिल्म में सेम है सत्यराज विश्वनाथ दादमपोड़ी सानुसा संपत सभी ने अपनी परफॉर्मेंस खूब काफी बढ़िया तरीके से दी हुई थी जिस वजह से तेलुगु लैंग्वेज में फिल्म काफी चली थी और उसके बाद में फिल्म का हिंदी में ऑफिशियल रिमेक बनाया गया पे प्रोड्यूसर सेम थे कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट सेम था इसके अलावा कुछ कास्ट में चेंजेस किए गए जहाँ पे शाहिद कपूर को लेकर इस फिल्म कहानी से की कहानी सेट की गई थी और फिल्म को ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया वो था दो के ही टाइम पे जहाँ पे फिल्म वो अर्जुन रेड्डी की रीमेक आई हुई थी कबीर सिंह हिट होने के बाद इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे पता चला था कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना शायद हो सकती है श्रद्धा कपूर को भी कंसीडर किया जा रहा था शायद कपूर के अपोजिट लेकिन जब ऑफिशियल 14 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल कास्ट और क्रियो अनाउंस किया तब पता चला कि मोनाल ठाकुर को फाइनल किया हुआ है शायद कपूर के अपोजिट जहाँ पे शाहिद के फादर वो एक कोच मूर्ति वाला किरदार प्ले करने वाले पंकज कपूर ने जो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल उससे पहले जो, जो सत्यराज ने प्ले किया था वही रोल पंकज कपूर ने इसमें बाली के नाम से प्ले किया हुआ था कोच का किदा फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 14 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में की गई थी जनवरी 2020 तक फिल्म के कई परसेंट शूटिंग कंप्लीट कर दी गई थी पे पेंडेमिक के दौरान फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था बाद में अक्टूबर महीने तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और देहरादून दून में फिल्म की शूटिंग के कई सीक्वेंस शूट किए गए थे कुछ स्कूल में शूट किए गए थे कुछ ग्राउंड पे तो इस तरह से पूरी फिल्म की शूटिंग 14 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवा दी

तो इस फिल्म के यानी कि जर्सी फिल्म के जो तेलुगू वर्जन है उसके ओ राइट्स खरीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने जहाँ पे Amazon प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को ऑफिशियली उनके टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सॉरी जर्सी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सोनी लिव सोनी लिव वालों ने बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप जर्सी फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो अदरवाइज इस फिल्म के दूसरे वर्जन है उसको हॉटस्टार पे भी अवेलेबल किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं। गोल माइन फिल्म्स फिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग करवा दिए और उन्होंने इस फिल्म को यानी कि जर्सी के ओरिजिनल वर्जन को जर्सी के ही नाम से उनके चैनल के ऊपर ऊपर कि अवेलेबल किया हुआ है जहां पे आप हुए। ने OTT को में खरीदा हुआ था जहां पे इस फिल्म को 20 मई 2022 के बाद उन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिया था तो नेटफ्लिक्स के ऊपर फिलहाल में फिल्म आपको जर्सी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि नानी वाली जो तेलुगु वजन की जर्सी है वो आपको सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर विथ सब uh, बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है तेलुगु वाले का जो डब्ड वर्जन है वो आपको गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी में देखने को मिलेगा इसके अलावा हिंदी वर्जन यानी कि शाहिद कपूर वाले की, की जर्सी फिल्म है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप ये सभी वर्जन इंजॉय कर पाओगे वहीं पर जैसी फिल्म के टेलीविजन के राइट्स है वो जी एंटरटेनमेंट ने खरीदे हुए तो आने वाले कुछ समय में जी सिनेमा चैनल के ऊपर भी आपको जैसी फिल्म हिंदी में देखने को मिल जाएगी तो गाइज इस तरह से जैसे आप सभी वर्जन में देख सकते हो बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जैसी फिल्म ने पहले दिन पे पौने चार करोड़ का ओपनिंग डे किया हुआ था कलेक्शन वहीं पे साढ़े पाँच करोड़ दूसरे दिन पे किए हुए थे तीसरे दिन पे भी साढ़े पाँच करोड़ फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस तरह से चौदह करोड़ पिचहत्तर लाख का फिल्म ने वीकेंड किया हुआ था वहीं पर सात मई दो तक फिल्म ने बाईस करोड़ पैंसठ लाख का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था वहीं पर चार करोड़ सैंतालीस लाख का ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन फिल्म का सत्ताईस करोड़ बारह लाख

उसको पहले 28 अगस्त 2020 को सेट किया गया था बाद में कोविड 19 की वजह से चेंज करते हुए 5 नवंबर 2021 को सेट किया गया और बाद में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे उसकी वजह से 31 दिसंबर 2021 को फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया था लेकिन फिर से ओमिक्रॉन वायरस के चलते फिल्म को पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में चौदह अप्रैल दो की डेट फाइनलाइज की गई लेकिन तब तमिल लैंग्वेज की बेस्ट और के जी कन्नड़ा वर्जन की फिल्म के चैप्टर टू दोनों फिल्म का बस काफ़ी बड़ा था दोनों मार्केट में काफ़ी बड़ी फिल्में थी तो उसके सामने फिल्म क्लेस हो रही थी जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए एक वीक लेटर बाईस अप्रैल दो को रिलीज किया गया जहां पे फिल्म ने 28 से तीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन दिया हुआ है लाइफ टाइम का तो ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म उसी वजह से साबित हुई थी अदरवाइज़ फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यू हासिल किया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी लेकिन कुछ रीजंस के चलते कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिसके चलते फिल्म थिएटर में नहीं चली अदरवाइज़ अगर रेगुलर दो के टाइम के आसपास ये फिल्म आती जिस तरह से कबीर सिंह आई थी तो ये फिल्म भी दो करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती थी अगर आपको अभी ये फिलहाल में फिल्म जैद कपूर वाली जर्सी देखनी है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर विच इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो वहां पे एंजॉय कर पाओगे और तेलुगु का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको यूट्यूब पे गोलम के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप तेलुगू हिंदी डब्ड और हिंदी वर्जन की जर्सी फिल्म देख सकते हो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से जर्सी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जहां पे स्पोर्ट के साथ जोड़कर इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है और ये फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक फिल्म थी जिसका नाम भी जर्सी था उसका ऑफिशियल रीमेक है फिल्म के डायरेक्टर है गौतम तिन्ना नूरी जहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले गौतम तिन्ना नूरी कह ही है वहीं पर डायलॉग्स लिखे हुए सिद्धार्थ गरिमा ने प्रोड्यूसर्स की बात करें तो दिल राजू अल्लू अरविंद सूर्यदेव नारायण नागा वामसी और अमन गिल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे अल्लू एंटरटेनमेंट दिलराजू प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट और ब्रेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है बालाजी मोशन पिक्चर्स पेन मरूदकर इंटरटेनमेंट और यशराज फिल्म जहाँ पर यशराज फिल्म ने इस फिल्म को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे पेन मरूदकर ने और बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इंडिया में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर पंकज कपूर और रोनित कामरा आपको लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं वहीं पे गीतिका मेहरानदू रुदान श्री मजमूदार अंजुम बात्रा ऋतुराज सिंह विनय वर्मा और प्रीत कामनी आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ आर्टिस्ट से जिसके बदौलत फिल्म की कहानी को एक बढ़िया सा मोड़ दिया हुआ है इमोशनली और स्पोर्ट्स के लेवल पे काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बात करें तो 22 अप्रैल 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जिसका रन टाइम था 170 मिनट यानी कि यह फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है यानी कि 12 साल से बड़े सभी लोग इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर पाएंगे जहाँ पे थिएटर में जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था उसको लोगों ने पहले ही यूट्यूब पे ऑफिशियली देख लिया था जिसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है तो उस वजह से इस फिल्म का उतना कुछ मार्केट में क्रेज नहीं बना था वैसे तो फिल्म का काफी बढ़िया क्रेज था अच्छा खासा कलेक्शन भी कर जाती लेकिन फिल्म बार बार पोस्टपोन हुई थी जिस वजह से जिस तरह से मार्केटिंग फिल्म की की गई थी जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट सेट किए गए थे वो पूरी तरह से फेल गए थे और इसका सीधा असर आपको आई पे भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को करीबन अड़तालीस वोट मिले हुए हैं आई पे जिसमें से छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे इस रिस्पॉन्स के चलते फिल्म के कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे स्क्रीन प्ले फिल्म की जो बोरियत कुछ स्टोरी में कुछ जगह पर बोरियत तो महसूस होते वो कुछ जगह है जहां फिल्म को क्रिटिसाइज किया हुआ था वहीं पे फिल्म की, की, की गई थी इस फिल्म में आपको दिखाई देंगे मृणाल ठाकुर को विद्या राव तलवार ने बाली का रोल प्ले किया है जो अर्जुन के कोच है रोनित कामरा ने केतन तलवार यानी कि रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के बेटे गीतिका मेहरा ने जस्लिन शेरगिल का रोल प्ले किया हुआ है रुद्र सिंह मजमूदार ने रुद्रजुने का रोल प्ले किया हुआ है अंजुम बात्रा ने अमृत यानी कि अर्जुन की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह ने महेश करमदार के कोच का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा ने कृष्णा राव यानी कि विद्या तलवार के फादर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रीत कामनी ने केमियोपेर दिया हुआ है एडल्ट केतन तलवार यानी कि किट्टू के रोल में तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने ये किरदार प्ले किए हुए थे जहाँ पे फिल्म की कहानी काफी सिंपल थी शाहिद कपूर का जो किरदार है अर्जुन तलवार वो एक क्रिकेटर है और वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है जो रणजी मैच खेलता आ रहा है दुलीप ट्रॉफी जीती हुई है अचानक दस साल के बाद की कहानी दिखाई दी जाती है जहाँ पे उसकी उम्र छत्तीस साल हो चुकी है उसका एक बेटा है और साथ ही में उसकी एक वाइफ है जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी बाद में उसकी वाइफ बनी और उनका एक बेटा है जो क्रिकेट खेलता है पढ़ाई करता है जो अपने पापा से काफ़ी क्लोज है एक दिन अपने बर्थडे के मौके पर वो अर्जुन से इंडियन टी नेशनल टीम की जर्सी मांग लेता है जिसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो स्पोर्ट्स स्टोर में अवेलेबल है जिसकी प्राइस है पाँच सौ रुपये तो अब अर्जुन के पास वो पाँच सौ रुपये भी नहीं है कि जो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर पाए तो उसके पीछे काफ़ी जो मशक्कत तो करता है और उसके बाद में वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो फिर से क्रिकेट ज्वाइन करेगा जो छब्बीस साल की उम्र में उसने छोड़ा हुआ था तो अब वो फिर से छत्तीस साल की उम्र में क्रिकेट ज्वाइन करेगा उसके बाद में वो जिस तरह से क्रिकेट खेलता है उसके बाद में किस तरह से वो इंडियन टीम तक सेलेक्क होगा या नहीं होगा रणजी में उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में 36 साल की उम्र यानी एक ऐसी एज मानी जाती है जहां पे करियर खत्म होने के कगार पे होता है तो अब उसी टाइम पे वो अपना करियर की सेकंड इनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे क्लाइमेक्स में एक खतरनाक धमाका देखने को मिलेगा फिल्म इमोशनली काफ़ी परफेक्ट है इमोशंस को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जहाँ पे फादर सन का जो इमोशन है साथ ही में हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्रिकेट के प्रति जो प्यार

जहाँ पे सॉन्ग्स में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे मेहरम मैया मेनू बलियारे और जिंद मेरी है, जिसकी टोटल लेंथ चौदह मिनट तिरतालीस सेकंड और ये सभी वर्जन आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे वीडियो ऑडियो दोनों फॉर्मेट में गानों को रिलीज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको क्रिएट किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने जहाँ पे ओरिजिनल जो तेलुगु वर्जन है वहीं से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उठाया हुआ है सेम बैकग्राउंड स्कोर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है और अनिरुद्ध रविचंदन ने ही ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म की जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि जर्सी जिसको 2019 में तेलुगू लैंग्वेज में बनाया गया था और वो वहां की एक कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे उस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे साथ ही में नानी जो फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी उस फिल्म को गौतम तिन्नुर ने ही लिखा और डरेक्ट किया होता और प्रोडक्शन कंपनी सितारा एंटरटेनमेंट ही थी वहीं पर एडिटर और म्यूजिक डायरेक्टर भी सेम थे नवीन नुल्ली और अनिरुद्ध रविचंद्र लेकिन वो फिल्म एक मिनट की थी और ये फिल्म थी एक मिनट की ये फिल्म दस मिनट बड़ी थी जहाँ पे जो दस मिनट बड़ी रखी हुई फिल्म में वहीं पर कुछ ऐसे मोमेंट है जिसको चॉप आउट किया जा सकता था इसके अलावा उस फिल्म को उन्नीस अप्रैल दो हजार को जब रिलीज किया गया यूएस सर्टिफिकेट के साथ 25 करोड़ के बजट के साथ तो उस टाइम पे फिल्म ने 55 करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था और नानी के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे वहाँ पे नानी श्रद्धा श्रीनाथ रोनित कामराज जो छोटे बच्चे का रोल है वो भी दोनों फिल्म में सेम है सत्यराज विश्वनाथ दादमपोड़ी सानु शासपत राज सभी ने अपनी परफॉर्मेंस खूब काफी बढ़िया तरीके से दी हुई थी जिस वजह से तेलुगु लैंग्वेज में फिल्म काफी चली थी और उसके बाद में फिल्म का हिंदी में ऑफिशियल रिमेक बनाया गया पे प्रोड्यूसर सेम थे कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट सेम था इसके अलावा कुछ कास्ट में चेंजेस किए गए जहां पे शायद कपूर को लेकर इस फिल्म की कहानी से की गई थी और फिल्म को ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया वो था दो के ही टाइम पे जहां पे फिल्म वो अर्जुन रेड्डी की रीमेक आई हुई थी कबीर सिंह हिट होने के बाद इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे पता चला था कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना शायद हो सकती है श्रद्धा कपूर को भी कंसीडर किया जा रहा था शायद कपूर के अपोजिट लेकिन जब ऑफिशियल 14 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल कास्ट और क्रियो अनाउंस किया तब पता चला कि मोनाल ठाकुर को फाइनल किया हुआ है शायद कपूर के अपोजिट जहाँ पे शाहिद के फादर वो एक कोच मूर्ति वाला किरदार प्ले करने वाले पंकज कपूर ने जो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल उससे पहले जो सत्यराज ने प्ले किया होता वही रोल पंकज कपूर ने इसमें बाली के नाम से प्ले किया हुआ था कोच का किदा फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 14 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में की गई थी जनवरी 2020 तक फिल्म के कई परसेंट शूटिंग कंप्लीट कर दी गई थी पे पेंडेमिक के दौरान फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था बाद में अक्टूबर महीने तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और देहरादून में दून में फिल्म की शूटिंग के कई सीक्वेंस शूट किए गए थे कुछ स्कूल में शूट किए गए थे कुछ ग्राउंड पे तो इस तरह से पूरी फिल्म की शूटिंग 14 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवा दी

तो इस फिल्म के यानी कि जर्सी फिल्म के जो तेलुगु वर्जन है उसके ओ राइट्स ख़रीदे हुए अमेजन प्राइम वीडियो ने जहाँ पर अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को ऑफिशियली उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सॉरी जर्सी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सोनी लिव सोनी लिव वालों ने बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप जर्सी फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो अदरवाइज इस फिल्म के दूसरे वर्जन है उसको हॉटस्टार पे भी अवेलेबल किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं गोल माइन्स टेली फिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग करवा दी है और उन्होंने इस फिल्म को यानी कि जर्सी के ओरिजिनल वर्जन को जर्सी के ही नाम से उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि गोलमाइंस के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने जिन्होंने ओ राइट्स को अच्छे खासे प्राइस में खरीदा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को 20 मई 2022 के बाद उन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिया था तो नेटफ्लिक्स के ऊपर फिलहाल में ये फिल्म आपको जर्सी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नानी वाली जो तेलुगु वर्ज़न की जर्सी है वो आपको सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर विथ सब uh, बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है तेलुगु वाले का जो डब्ड वर्जन है वो आपको गोल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी में देखने को मिलेगा इसके अलावा हिंदी वर्जन यानी कि शाहिद कपूर वाले की, की जर्सी फिल्म है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप ये सभी वर्ज़न इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर जैसी फिल्म के टेलीविजन के राइट्स है वो जी एंटरटेनमेंट ने खरीदे हुए तो आने वाले कुछ समय में जी सिनेमा चैनल के ऊपर भी आपको जैसी फिल्म हिंदी में देखने को मिल जाएगी तो गाइज इस तरह से जैसे आप सभी वर्जन में देख सकते हो बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जैसी फिल्म ने पहले दिन पे पौने चार करोड़ का ओपनिंग डे किया हुआ था कलेक्शन वहीं पर साढ़े करोड़ दूसरे दिन पे किए हुए थे तीसरे दिन पर भी साढ़े करोड़ फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस तरह से चौदह करोड़ पिचहत्तर लाख का फिल्म ने वीकेंड किया हुआ था वहीं पर सात मई दो तक फिल्म

अप्रैल 2022 नहीं थी जो अभी फिलहाल में रिलीज की वो डेट नहीं थी उसको पहले अट्ठाईस अगस्त दो को सेट किया गया था बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से चेंज करते हुए पाँच नवंबर दो को सेट किया गया और बाद में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे उसकी वजह से इकतीस दिसंबर दो को फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया था लेकिन फिर से ओमिक्रॉन वायरस के चलते फिल्म को पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में चौदह अप्रैल दो की डेट फाइनलाइज़ की गई लेकिन तब तमिल लैंग्वेज की बेस्ट और के जी कन्नडा वर्जन की फिल्म के चैप्टर टू दोनों फिल्म का बस काफ़ी बड़ा था दोनों मार्केट में काफ़ी बड़ी फिल्में थी तो उसके सामने फिल्म क्ले हो रही थी जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए एक वीक लेटर बाईस अप्रैल दो को रिलीज किया गया जहां पे फिल्म ने अट्ठाईस से तीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन दिया हुआ है लाइफ टाइम का तो ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म उसी वजह से साबित हुई थी अदरवाइज़ फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यू हासिल किया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी लेकिन कुछ रीजन्स के चलते कुछ ऐसी सिचुएसन बनी जिसके चलते फिल्म थिएटर में नहीं चली अदरवाइज़ अगर रेगुलर दो के टाइम के आसपास ये फिल्म आती जिस तरह से कबीर सिंह आई थी तो ये फिल्म भी दो करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती थी अगर आपको अभी फिलहाल में फिल्म शाहिद कपूर वाली जर्सी देखनी है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर विंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो वहां पे इंजॉय कर पाओगे और तेलुगु का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको यूट्यूब पे गोलमाइस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप तेलुगु हिंदी डब्ड और हिंदी वर्जन की जर्सी फिल्म देख सकते हो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से जर्सी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जहां पे स्पोर्ट्स के साथ जोड़कर इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है और ये फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक फिल्म थी जिसका नाम भी जर्सी था उसका ऑफिशियल रीमेक है फिल्म के डायरेक्टर है गौतम तिन्ना नूरी जहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले गौतम तिन्ना नूरी कह ही है वहीं पे डायलॉग्स लिखे हुए सिद्धार्थ गरिमा ने प्रोड्यूसर्स की बात करें तो दिल राजू अल्लू अरविंद सूर्यदेव नारायण नागा और अमन गिल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे अल्लू एंटरटेनमेंट दिल प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट और ब्रेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है बालाजी मोशन पिक्चर्स पेन मरूदकर इंटरटेनमेंट और यशराज फिल्म जहाँ पर यशराज फिल्म ने इस फिल्म को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे पेन मरूदकर ने और बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इंडिया में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर पंकज कपूर और रोनित कामरा आपको लीड रोल में देखने को मिलने वाले है वहीं पे गीतिका मेहरानदो रुदान श्री मजमूदार अंजुम बात्रा ऋतुराज सिंह विनय वर्मा और प्रीत कामनी आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिसके बदौलत फिल्म की कहानी को एक बढ़िया सा मोड़ दिया हुआ है इमोशनली और स्पोर्ट्स के लेवल पे काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बात करें तो 22 अप्रैल 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसका रन टाइम था 170 मिनट यानी कि यह फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है यानी कि 12 साल से बड़े सभी लोग इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर पाएंगे जहाँ पे थिएटर में जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था उसको लोगों ने पहले ही यूट्यूब पे ऑफिशियली देख लिया था जिसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है तो तो उस वजह से इस फिल्म का उतना कुछ मार्केट में क्रेज नहीं बना था वैसे तो फिल्म का काफी बढ़िया क्रेज था अच्छा खासा कलेक्शन भी कर जाती लेकिन फिल्म बार बार पोस्टपोन हुई थी जिस वजह से जिस तरह से मार्केटिंग फिल्म की की गई थी जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट सेट किए गए थे वो पूरी तरह से फेल गए थे और इसका सीधा असर आपको आई पे भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को करीबन 4800 वोट मिले हुए आई पे जिसमें से छ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे इस रिस्पॉन्स के चलते फिल्म के कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे स्क्रीन प्ले फिल्म की जो बोरियत कुछ स्टोरी में कुछ जगह पे महसूस होते तो वो कुछ जगह है जहां पे फिल्म को क्रिटिसाइज किया हुआ था वहीं पे फिल्म की परफॉर्मेंसेस की काफ़ी तारीफ की गई थी इस फिल्म में आपको शाहिद कपूर अर्जुन तलवार के रोल में दिखाई देंगे ठाकुर को तलवार यानी कि अर्जुन की वाइफ का रोल दिया हुआ है पंकज कपूर ने बाली का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के कोच है रोनित कामरा ने यंग केतन तलवार यानी कि किट्टू का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के बेटे गीतिका मेहराद्रो ने जस्लिन शेरगिल का रोल प्ले किया हुआ है रुद्र सिंह मजमूदार ने रुद्र ने का रोल प्ले, प्ले किया हुआ है अंजुम बात्रा ने अमृत यानी कि अर्जुन की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह ने महेश करमदार यानी कि मुंबई के कोच का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा ने कृष्णा राव यानी कि विद्या तलवार के फादर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रीत कामनी ने केम्योपेरियंस दिया हुआ है एडल्ट केतन तलवार यानी कि किट्टू के रोल में तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने ये किरदार प्ले किए हुए थे जहाँ पे फिल्म की कहानी काफी सिंपल थी शाहिद कपूर का जो किरदार है अर्जुन तलवार वो एक क्रिकेटर है और वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है जो रणजी मैच खेलता आ रहा है दुलीप ट्रॉफी जीती हुई है अचानक दस साल के बाद की कहानी दिखाई दी जाती है जहाँ पे उसकी उम्र छत्तीस साल हो चुकी है उसका एक बेटा है और साथ ही में उसकी एक वाइफ है जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी बाद में उसकी वाइफ बनी और उनका एक बेटा है जो क्रिकेट खेलता है पढ़ाई करता है जो अपने पापा से काफ़ी क्लोज है एक दिन अपने बर्थडे के मौके पर वो अर्जुन से इंडियन टी नेशनल टीम की जर्सी मांग लेता है जिसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो आ, स्पोर्ट स्टोर में अवेलेबल है जिसकी प्राइस है पाँच सौ रुपये तो अब अर्जुन के पास वो पाँच सौ रुपये भी नहीं है कि जो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर पाए तो उसके पीछे काफ़ी जो मशक्कत तो करता है और उसके बाद में वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो फिर से क्रिकेट ज्वाइन करेगा जो छब्बीस साल की उम्र में उसने छोड़ा हुआ था तो अब वो फिर से छत्तीस साल की उम्र में क्रिकेट ज्वाइन करेगा उसके बाद में वो जिस तरह से क्रिकेट खेलता है उसके बाद में किस तरह से वो इंडियन टीम तक सेलेक्ट होगा या नहीं होगा रणजी में उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में छत्तीस साल की उम्र यानी एक ऐसी एज मानी जाती है जहाँ पे करियर ख़त्म होने के कगार पे होता है तो अब उसी टाइम पे वो अपना करियर की सेकंड इनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे क्लाइमेक्स में एक खतरनाक धमाका देखने को मिलेगा फिल्म इमोशनली काफ़ी परफेक्ट है इमोशंस को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जहाँ पे फादर सन का जो इमोशन है साथ ही में हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्रिकेट के प्रति जो प्यार दिखाया हुआ है जिस तरह से इन सभी चीज़ों को छोटे छोटे पलों को जिस तरह से डायरेक्टर ने पेश किया हुआ था वो सभी चीजें बढ़िया है वहां पे गौतम तिन्ना ने पूरे पॉइंट जीते हुए लेकिन इस फिल्म को दो घंटे पचास मिनट का बनाया हुआ है जहां पे एडिटर की एडिटिंग की हुई नवीन नुल्ली ने जिनको इस फिल्म को थोड़ा छोटा करना चाहिए था उन्होंने काफी बड़ा रख दिया है जहाँ इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंदर ने किया हुआ है और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए सचेत परंपरा ने फिल्म के गाने बढ़िया है जहाँ पे सॉन्ग्स में टोटल चार सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे मेहरम मैया मेनू बलियारे और जिंद मेरी है जिसकी टोटल लेंथ है चौदह मिनट तैंतालीस सेकंड और ये सभी वर्जन आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में गानों को रिलीज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको क्रिएट किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने जहाँ पे ओरिजिनल जो तेलुगु वर्जन है वहीं से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उठाया हुआ है सेम बैकग्राउंड स्कोर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है और अनिरुद्ध रविचंदन ने ही ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म की जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि जर्सी जिसको 2019 में तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और वो वहाँ की एक कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे उस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे साथ ही में नानी जो फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी उस फिल्म को गौतम तिन्दानूर ने ही लिखा और डिलेक्ट किया होता और प्रोडक्शन कंपनी सितारा एंटरटेनमेंट ही थी वहीं पर एडिटर और म्यूजिक डायरेक्टर भी सेम थे नवीन नुल्ली और अनिरुद्ध रविचंद्र लेकिन वो फिल्म एक मिनट की थी और ये फिल्म थी एक मिनट की ये फिल्म दस मिनट बड़ी थी जहाँ पे जो दस मिनट बड़ी रखी हुई है फिल्म में वहीं पर कुछ ऐसे मोमेंट है जिसको चॉप आउट किया जा सकता था इसके अलावा उस फिल्म को उन्नीस अप्रैल दो हजार को जब रिलीज किया गया यूएस सर्टिफिकेट के साथ 25 करोड़ के बजट के साथ तो उस टाइम फिल्म ने 55 करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था और नानी के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे वहां पे नानी श्रद्धा श्रीनाथ रोनित कामराज जो छोटे बच्चे का रोल है वो भी दोनों फिल्म में सेम है सत्यराज विश्वनाथ दादमपोड़ी सा शाह सभी ने अपनी परफॉर्मेंस को भी काफी बढ़िया तरीके से दी हुई थी जिस वजह से तेलुगु लैंग्वेज में फिल्म काफी चली थी और उसके बाद में फिल्म का हिंदी में ऑफिशियल रिमेक बनाया गया जहां पे प्रोड्यूसर सेम थे कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट सेम था इसके अलावा कुछ कास्ट में चेंजेस किए गए जहाँ पे शायद कपूर को लेकर इस फिल्म की कहानी से एड की गई थी और फिल्म को ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया वो था दो के ही टाइम पे जहाँ पे फिल्म वो अर्जुन रेड्डी की रीमेक आई हुई थी कबीर सिंह हिट होने के बाद इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे पता चला था कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना शायद हो सकती है श्रद्धा कपूर को भी कंसीडर किया जा रहा था शायद कपूर के अपोजिट लेकिन जब ऑफिशियल 14 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल कास्ट और क्रियो अनाउंस किया तब पता चला कि मोनाल ठाकुर को फाइनल किया हुआ है शाहिद कपूर के अपोजिट जहाँ पे शाहिद के फादर वो एक कोच मूर्ति वाला किरदार प्ले करने वाले पंकज कपूर ने जो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल उससे पहले जो, जो सत्यराज ने प्ले किया हुआ था वही रोल पंकज कपूर ने इसमें बाली के नाम से प्ले किया हुआ था कोच का किदा फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 14 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में की गई थी जनवरी 2020 तक फिल्म के कई परसेंट शूटिंग कंप्लीट कर दी गई थी पे पेंडेमिक के दौरान फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था बाद में अक्टूबर महीने तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और देहरादून दिन में फिल्म की शूटिंग के कई सीक्वेंस शूट किए गए थे कुछ स्कूल में शूट किए गए थे कुछ ग्राउंड पे तो इस तरह से पूरी फिल्म की शूटिंग 14 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवा दी गई थी ओवरऑल देखे तो फिल्म की रिमेक अच्छी तरह से की गई है थोड़ी छोटी कर देते रीमेक को तो बढ़िया रहता अदरवाइज फिल्म की रिमेक काफी बढ़िया फेथफुल तरीके से की गई है अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है तो ये रिमेक वर्जन देख सकते हो काफी बढ़िया है जर्सी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जहां पे स्पोर्ट्स के साथ जोड़कर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है और ये फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक फिल्म थी जिसका नाम भी जर्सी था उसका ऑफिशियल रीमेक है फिल्म के डायरेक्टर है गौतम तिन्ना नूरी जहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले गौतम तिन्ना नूरी कह ही है वहीं पर डायलॉग्स लिखे हुए सिद्धार्थ गरिमा ने प्रोड्यूसर्स की बात करें तो दिल राजू अल्लू अरविंद सूर्यदेव नारायण नागा और अमन गिल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे अल्लू एंटरटेनमेंट दिलराजू प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट और ब्रेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है बालाजी मोशन पिक्चर्स पेन मरूदकर एंटरटेनमेंट और यशराज फिल्म जहाँ पर यशराज फिल्म ने इस फिल्म को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे पेन मरूदकर ने और बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इंडिया में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर पंकज कपूर और कामरा आपको लीड रोल में देखने को मिलने वाले है वहीं पे गीतिका मेहरानदुर रुदांत श्री मजमूदार अंजुम बात्रा ऋतुराज सिंह विनय वर्मा और प्रीत कामनी आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिसके बदौलत फिल्म की कहानी को एक बढ़िया सा मोड़ दिया हुआ है इमोशनली और स्पोर्ट्स के लेवल पे काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बात करें तो 22 अप्रैल 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जिसका रन टाइम था 170 मिनट यानी कि यह फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है यानी कि 12 साल से बड़े सभी लोग इस फिल्म को ज़रूर इंजॉय कर पाएंगे जहाँ पे थिएटर में जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था उसको लोगों ने पहले ही यूट्यूब पे ऑफिशियली देख लिया था जिसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है तो उस वजह से इस फिल्म का उतना कुछ मार्केट में क्रेज नहीं बना था वैसे तो फिल्म का काफी बढ़िया क्रेज था अच्छा खासा कलेक्शन भी कर जाती लेकिन फिल्म बार बार पोस्टोंड हुई थी जिस वजह से जिस तरह से मार्केटिंग फिल्म की की गई थी जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट सेट किए गए थे वो पूरी तरह से फैल गए थे और इसका सीधा असर आपको आई पे भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को करीबन 4800 वोट मिले हुए आई एम पे जिसमें से 6.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था जहां पे इस रिस्पांस के चलते फिल्म के कुछ ऐसी चीज़ें जहां पे स्क्रीन प्ले फिल्म की जो बोरियत कुछ स्टोरी में कुछ जगह पे बोरी ियत महसूस होते तो वो कुछ जगह है जहां पे फिल्म को क्रिटिसाइज किया हुआ था वहीं पे फिल्म की परफॉर्मेंसिस की काफ़ी तारीफ की गई थी इस फिल्म में आपको शाहिद कपूर अर्जुन तलवार के रोल में दिखाई देंगे ठाकुर को विद्या राव तलवार यानी कि अर्जुन की वाइफ का रोल दिया हुआ है पंकज कपूर ने बाली का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के कोच है रोनित कामरा ने यंग केतन तलवार यानी कि किट्टू का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के बेटे गीतिका मेहराद्रो ने जसलिन शेरगिल का रोल प्ले किया हुआ है रुद्र सिंह मजमूदार ने रुद्र रुद्राजुनेज

और वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है जो रणजी मैच खेलता आ रहा है दुलीप ट्रॉफी जीती हुई है अचानक दस साल के बाद की कहानी दिखाई दी जाती है जहाँ पे उसकी उम्र छत्तीस साल हो चुकी है उसका एक बेटा है और साथ ही में उसकी एक वाइफ है जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी बाद में उसकी वाइफ बनी और उनका एक बेटा है जो क्रिकेट खेलता है पढ़ाई करता है जो अपने पापा से काफ़ी क्लोज है एक दिन अपने बर्थडे के मौके पर वो अर्जुन से इंडियन टी नेशनल टीम की जर्सी मांग लेता है जिसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो स्पोर्ट्स स्टोर में अवेलेबल है जिसकी प्राइस है पाँच सौ रुपये तो अब अर्जुन के पास वो पाँच सौ रुपये भी नहीं है कि जो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर पाए तो उसके पीछे काफी जो मशक्कत तो करता है और उसके बाद में वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो फिर से क्रिकेट ज्वाइन करेगा जो छब्बीस साल की उम्र में उसने छोड़ा हुआ था तो अब वो फिर से छत्तीस साल की उम्र में क्रिकेट ज्वाइन करेगा उसके बाद में वो जिस तरह से क्रिकेट खेलता है उसके बाद में किस तरह से वो इंडियन टीम तक सेलेक्ट होगा या नहीं होगा रणजी में उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में 36 साल की उम्र यानी एक ऐसी एज मानी जाती है जहाँ पे करियर ख़त्म होने के कगार पे होता है तो अब उसी टाइम पे वो अपना करियर की सेकंड इनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे क्लाइमेक्स में एक खतरनाक धमाका देखने को मिलेगा फिल्म इमोशनली काफ़ी परफेक्ट है इमोशंस को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जहाँ पे फादर सन का जो इमोशन है साथ ही में हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्रिकेट के प्रति जो प्यार दिखाया हुआ है जिस तरह से इन सभी चीज़ों को छोटे छोटे पलों को जिस तरह से डायरेक्टर ने पेश किया हुआ था वो सभी है। वहाँ पे ने पूरे पॉइंट जीते हुए ने, जिनको इस फिल्म को थोड़ा करना चाहिए था। उन्होंने काफी बड़ा रख दिया है जहां इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंदन ने किया हुआ है और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए सचेत परंपरा ने फिल्म के गाने बढ़िया है जहां पे सॉन्ग्स में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे मेहरम मैया मेनू बलियारे और जिंद मेरी है जिसकी टोटल लेंथ है चौदह मिनट तेतालीस सेकंड और ये सभी वर्जन आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे जहां पे वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में गानों को रिलीज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको क्रिएट किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने जहाँ पे ओरिजिनल जो तेलुगु वर्जन है वहीं से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उठाया हुआ है सेम बैकग्राउंड स्कोर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है और अनिरुद्ध रविचंदन ने ही ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म की जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि जर्सी जिसको दो में तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और वो वहाँ की एक कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे उस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे साथ ही में नानी जो फिल्म के लीड एक्ट्रे थे उन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी उस फिल्म को गौतम तिन्ान ने ही लिखा और डायरेक्ट किया होता और प्रोडक्शन कंपनी सितारा एंटरटेनमेंट ही थी वहीं पे एडिटर और म्यूजिक डायरेक्टर भी सेम थे नवीन नुल्ली और अनिरुद्ध रविचंद्र लेकिन वो फिल्म एक मिनट तो की थी और ये फिल्म थी एक मिनट की ये फिल्म दस मिनट बड़ी थी जहाँ पे जो दस मिनट बड़ी रखी हुई फिल्म में वहीं पर कुछ ऐसे मोमेंट है जिसको चॉप आउट किया जा सकता था इसके अलावा उस फिल्म को उन्नीस अप्रैल दो हजार को जब रिलीज किया गया यूएस सर्टिफिकेट के साथ 25 करोड़ के बजट के साथ तो उस टाइम पे फिल्म ने 55 करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और नानी के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट हाइएस्ट फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे वहाँ पे नानी श्रीनाथ रोनित कामराज जो छोटे बच्चे का रोल है वो भी दोनों फिल्म में सेम है सत्यराज विश्वनाथ दादमपोड़ी सानु सात राज सभी ने अपनी परफॉर्मेंस खूब काफी बढ़िया तरीके से दी हुई थी जिस वजह से तेलुगु लैंग्वेज में फिल्म काफी चली थी और उसके बाद में फिल्म का हिंदी में ऑफिशियल रिमेक बनाया गया पे प्रोड्यूसर सेम थे कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट सेम था इसके अलावा कुछ कास्ट में चेंजेस किए गए जहां पे शाहिद कपूर को लेकर इस फिल्म कहानी से की कहानी सेट की गई थी और फिल्म को ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया वो था दो के ही टाइम पे जहाँ पे फिल्म वो अर्जुन रेड्डी की रीमेक आई हुई थी कबीर सिंह हिट होने के बाद इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे पता चला था कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना शायद हो सकती है श्रद्धा कपूर को भी कंसीडर किया जा रहा था शायद कपूर के अपोजिट लेकिन जब ऑफिशियल 14 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल कास्ट और क्रियो अनाउंस किया तब पता चला कि मोनाल ठाकुर को फाइनल किया हुआ है शायद कपूर के अपोजिट जहाँ पे शायद के फादर वो एक कोच मूर्ति वाला किरदार प्ले करने वाले पंकज कपूर ने जो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल उससे पहले जो, जो सत्यराज ने प्ले किया होता था वही रोल पंकज कपूर ने इसमें बाली के नाम से प्ले किया हुआ था कोच का किदा फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 14 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में की गई थी जनवरी 2020 तक फिल्म की कई परसेंट शूटिंग कंप्लीट कर दी गई थी पेंडेमिक पेंड़, के दौरान फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था बाद में अक्टूबर महीने तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और देहरादून दून में फिल्म की शूटिंग के कई सीक्वेंस शूट किए गए थे कुछ स्कूल में शूट किए गए थे कुछ ग्राउंड पे तो इस तरह से पूरी फिल्म की शूटिंग 14 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवा दी

तो इस फिल्म के यानी कि जर्सी फिल्म के जो तेलुगू वर्जन है उसके ओ राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जहाँ पर अमेज़ोन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को ऑफिशियली उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सॉरी जर्सी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सोनी लिव सोनी लिव वालों ने बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप जर्सी फिल्म तेलगू लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो अदरवाइज इस फिल्म के दूसरे वर्जन है उसको हॉटस्टार पे पर भी अवेलेबल किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स ख़रीदे हुए हैं गोल माइन्स टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म, फिल्म की डबिंग करवा दिए और उन्होंने इस फिल्म को यानी कि जर्सी के ओरिजिनल वर्ज़न को जर्सी के ही नाम से उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि गोल माइंस के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने जिन्होंने ओ राइट्स को अच्छे खासे प्राइस में खरीदा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को 20 मई 2022 के बाद उन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिया था तो नेटफ्लिक्स के ऊपर फिलहाल में ये फिल्म आपको जर्सी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नानी वाली जो तेलुगु वर्ज़न की जर्सी है वो आपको सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर विथ सब बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है तेलुगु वाले का जो डब्ड वर्जन है वो आपको गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी में देखने को मिलेगा इसके अलावा हिंदी वर्जन यानी कि शाहिद कपूर वाले की जर्सी फिल्म है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप ये सभी वर्जन इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर जर्सी फिल्म के टेलीविजन के राइट्स है वो जी एंटरटेनमेंट ने खरीदे हुए तो आने वाले कुछ समय में जी सिनेमा चैनल के ऊपर भी आपको जैसी फिल्म हिंदी में देखने को मिल जाएगी तो गाइज इस तरह से जैसे आप सभी वर्जन में देख सकते हो बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जैसी फिल्म ने पहले दिन पे पौने चार करोड़ का ओपनिंग डे किया हुआ था कलेक्शन वहीं पे साढ़े पाँच करोड़ दूसरे दिन पे किए हुए थे तीसरे दिन पे भी साढ़े पाँच करोड़ फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस तरह से चौदह करोड़ पिचहत्तर लाख का फिल्म ने वीकेंड किया हुआ था वहीं पर सात मई दो तक फिल्म ने बाईस करोड़ पैंसठ लाख का इंडिया में कलेक्ट किया हुआ था वहीं पे चार करोड़ सैतालीस लाख में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो वर्ल्ड करोड़ बारह लाख निकल के आया हुआ था फिल्म का बजट था फिल्म थी। उसका मेन रीजन रिमेक और ऑडियंस रिमेक नहीं देखना चाहती थी क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन देख ली थी इसके अलावा फिल्म को जब पहले रिलीज करने वाले थे वो डेट 22 अप्रैल 2022 नहीं थी जो अभी फिलहाल में रिलीज वो डेट नहीं थी उसको पहले 28 अगस्त 2020 को सेट किया गया था बाद में कोविड 19 की वजह से चेंज करते हुए 5 नवंबर 2021 को सेट किया गया और बाद में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे उसकी वजह से 31 दिसंबर 2021 को फिल्म को रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था लेकिन फिर से ओमिक्रॉन वायरस के चलते फिल्म को पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में चौदह अप्रैल दो की डेट फाइनलाइज की गई लेकिन तब तमिल लैंग्वेज की बेस्ट और के जी कन्नड़ा वर्जन की फिल्म के चैप्टर टू दोनों फिल्म का बस काफ़ी बड़ा था दोनों मार्केट में काफ़ी बड़ी फिल्में थी तो उसके सामने फिल्म क्लेस हो रही थी जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए एक वीक लेटर बाईस अप्रैल दो को रिलीज किया गया जहाँ पे फिल्म ने 28 से तीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन दिया हुआ है लाइफ टाइम का तो यह फिल्म एक फ्लॉप फिल्म उसी वजह से साबित हुई थी अदर... जर्सी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जहां पे स्पोर्ट के साथ जोड़कर इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है और ये फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक फिल्म थी जिसका नाम भी जर्सी था उसका ऑफिशियल रीमेक है फिल्म के डायरेक्टर है गौतम तिन्ना नूरी जहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले गौतम तिन्ना नूरी कह ही है वहीं पर डायलॉग्स लिखे हुए सिद्धार्थ गरिमा ने प्रोड्यूसर्स की बात करें तो दिल राजू अल्लू अरविंद सूर्यदेव नारायण नागा वामसी और अमन गिल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे अल्लू एंटरटेनमेंट दिलराजू प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट और ब्रेड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है बालाजी मोशन पिक्चर्स पेन मरूदकर इंटरटेनमेंट और यशराज फिल्म जहाँ पर यशराज फिल्म ने इस फिल्म को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे पेन मरूदकर ने और बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इंडिया में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर पंकज कपूर और रोनित कामरा आपको लीड रोल में देखने को मिलने वाले है वहीं पे गीतिका मेहरानदू रुदान श्री मजमूदार अंजुम बात्रा ऋतुराज सिंह विनय वर्मा और प्रीत कामनी आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिसके बदौलत फिल्म की कहानी को एक बढ़िया सा मोड़ दिया हुआ है इमोशनली और स्पोर्ट्स के लेवल पे काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बात करें तो 22 अप्रैल 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसका रन टाइम था 170 मिनट यानी कि सौ फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है यानी कि 12 साल से बड़े सभी लोग इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर पाएंगे जहां पे थिएटर में जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था उसको लोगों ने पहले ही यूट्यूब पे ऑफिशियली देख लिया था जिसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है तो उस वजह से इस फिल्म का उतना कुछ मार्केट में क्रेज नहीं बना था वैसे तो फिल्म का काफी बढ़िया क्रेज था अच्छा खासा कलेक्शन भी कर जाती लेकिन फिल्म बार बार पोस्टपोन हुई थी जिस वजह से जिस तरह से मार्केटिंग फिल्म की की गई थी जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट सेट किए गए थे वो पूरी तरह से फेल गए थे और इसका सीधा असर आपको आई पे भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को करीबन 4800 वोट मिले हुए आई पे जिसमें से छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे इस रिस्पॉन्स के चलते फिल्म के कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे स्क्रीन प्ले फिल्म की जो बोरियत कुछ स्टोरी में कुछ जगह पर बोरियत महसूस होते तो वो कुछ जगह है जहां पे फिल्म को क्रिटिसाइज किया हुआ था वहीं पे फिल्म की, की, की गई थी इस फिल्म में आपको दिखाई देंगे मरुनाल को विद्या राव यानि के अर्जुन की वाइफ का रोल दिया हुआ है ने बाली का रोल प्ले किया है जो अर्जुन के कोच है रोनित कामरा ने केतन तलवार यानी कि रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के बेटे गीतिका मेहरांद्रो ने जस्लिन शेरगिल का रोल प्ले किया रुद्र सिंह मजमूदार ने रुद्र का रोल प्ले किया हुआ है अंजुम बात्रा ने अमृत यानी कि अर्जुन की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह ने महेश करमदार यानी कि मुंबई के कोच का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा ने कृष्णा राव यानी कि विद्या तलवार के फादर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रीत कामनी ने केमियो केम्योपेर दिया हुआ है एडल्ट केतन तलवार यानी कि किट्टू के रोल में तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने ये किरदार प्ले किए हुए थे जहाँ पे फिल्म की कहानी काफी सिंपल थी शाहिद कपूर का जो किरदार है अर्जुन तलवार वो एक क्रिकेटर है और वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है जो रणजी मैच खेलता आ रहा है दुलीप ट्रॉफी जीती हुई है अचानक दस साल के बाद की कहानी दिखाई दी जाती है जहाँ पे उसकी उम्र छत्तीस साल हो चुकी है उसका एक बेटा है और साथ ही में उसकी एक वाइफ है जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी बाद में उसकी वाइफ बनी और उनका एक बेटा है जो क्रिकेट खेलता है पढ़ाई करता है जो अपने पापा से काफ़ी क्लोज है एक दिन अपने बर्थडे के मौके पर वो अर्जुन से इंडियन टी नेशनल टीम की जर्सी मांग लेता है जिसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो स्पोर्ट्स स्टोर में अवेलेबल है जिसकी प्राइस है पाँच सौ रुपये तो अब अर्जुन के पास वो पाँच सौ रुपये भी नहीं है कि जो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर पाए तो उसके पीछे काफ़ी जो मशक्कत तो करता है और उसके बाद में वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो फिर से क्रिकेट ज्वाइन करेगा जो छब्बीस साल की उम्र में उसने छोड़ा हुआ था तो अब वो फिर से छत्तीस साल की उम्र में क्रिकेट ज्वाइन करेगा उसके बाद में वो जिस तरह से क्रिकेट खेलता है उसके बाद में किस तरह से वो इंडियन टीम तकसले होगा या नहीं होगा रणजी में उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में छत्तीस साल की उम्र यानी एक ऐसी एज मानी जाती है जहाँ पे करियर ख़त्म होने के कगार पे होता है तो अब उसी टाइम पे वो अपना करियर की सेकंड इनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे क्लाइमेक्स में एक खतरनाक धमाका देखने को मिलेगा फिल्म इमोशनली काफ़ी परफेक्ट है इमोशंस को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जहाँ पे फादर सन का जो इमोशन है साथ ही में हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्रिकेट के प्रति जो प्यार दिखाया हुआ है जिस तरह से इन सभी चीज़ों को छोटे छोटे पलों को जिस तरह से डायरेक्टर ने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया है वहाँ पे गौतम तिन्ना नूरी ने पूरे पॉइंट जीते हुए हैं लेकिन इस फिल्म को दो घंटे पचास मिनट का बनाया हुआ है जहाँ पे एडिटर की एडिटिंग की हुई नवीन नुल्ली ने जिनको इस फिल्म को थोड़ा छोटा करना चाहिए था उन्होंने काफी बड़ा रख दिया है जहाँ इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंदन ने किया हुआ है और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए सचेत परम्परा ने फिल्म के गाने बढ़िया है जहाँ पे सॉन्ग्स में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे मेहरम मैया मेनू बलियारे और जिंद मेरी है जिसकी टोटल लेंथ है चौदह मिनट तैंतालीस सेकंड और ये सभी वर्जन आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे वीडियो ऑडियो दोनों फॉर्मेट में गानों को रिलीज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको क्रिएट किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने जहाँ पे ओरिजिनल जो तेलुगु वर्जन है वहीं से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उठाया हुआ है सेम बैकग्राउंड स्कोर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है और अनिरुद्ध रविचंदन ने ही ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म की जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि जर्सी जिसको 2019 में तेलुगू लैंग्वेज में बनाया गया था और वो वहाँ की एक कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे उस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे साथ ही में नानी जो फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी उस फिल्म को गौतम तिन्नूर ने ही लिखा और डेरेक्ट किया होता और प्रोडक्शन कंपनी सितारा एंटरटेनमेंट ही थी वहीं पर एडिटर और म्यूजिक डायरेक्टर भी सेम थे नवीन नुल्ली और अनिरुद्ध रविचंद्र लेकिन वो फिल्म एक मिनट की थी और ये फिल्म थी एक मिनट की ये फिल्म दस मिनट बड़ी थी जहाँ पे जो दस मिनट बड़ी रखी हुई फिल्म में वहीं पर कुछ ऐसे मोमेंट है जिसको चॉप आउट किया जा सकता था इसके अलावा उस फिल्म को उन्नीस अप्रैल 2019 को जब रिलीज किया गया यूएस सर्टिफिकेट के साथ 25 करोड़ के बजट के श्रीनाथ रोनित कामराज जो छोटे बच्चे का रोल है वो भी दोनों फिल्म में सेम है सत्यराज राज विश्वनाथ दादमपोड़ी सानु शासपतराज सभी ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी काफी बढ़िया तरीके से दी हुई थी जिस वजह से तेलुगु लैंग्वेज में फिल्म काफी चली थी और उसके बाद में फिल्म का हिंदी में ऑफिशियल रिमेक बनाया गया जहां पे प्रोड्यूसर सेम थे कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट सेम था इसके अलावा कुछ कास्ट में चेंजेस किए गए जहाँ पे शाहिद कपूर को लेकर इस फिल्म की कहानी से एड की गई थी और फिल्म को ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया वो था दो के ही टाइम पे जहाँ पे फिल्म आ, वो अर्जुन रेड्डी की रीमेक आई हुई थी कबीर सिंह हिट होने के बाद इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे पता चला था कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना शायद हो सकती है श्रद्धा कपूर को भी कंसीडर किया जा रहा था शायद कपूर के अपोजिट लेकिन जब ऑफिशियल 14 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल कास्ट और क्रियो अनाउंस किया तब पता चला कि मोनाल ठाकुर को फाइनल किया हुआ है शाहिद कपूर के अपोजिट जहाँ पे शाहिद के फादर वो एक कोच मूर्ति वाला किरदार प्ले करने वाले पंकज कपूर ने जो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल उससे पहले जो, जो सत्यराज ने प्ले किया हो था वही रोल पंकज कपूर ने इसमें बाली के नाम से प्ले किया हुआ था कोच का किदा फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 14 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में की गई थी जनवरी 2020 तक फिल्म की कई परसेंट शूटिंग कंप्लीट कर दी गई थी पे पेंडेमिक के दौरान फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था बाद में अक्टूबर महीने तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और देहरादून में दून में फिल्म की शूटिंग के कई सीक्वेंस शूट किए गए थे कुछ स्कूल में शूट किए गए थे कुछ ग्राउंड पे तो इस तरह से पूरी फिल्म की शूटिंग 14 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवा दी

तो इस फिल्म के यानी कि जर्सी फिल्म के जो तेलुगु वर्जन है उसके ओ राइट्स ख़रीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को ऑफिशियली उनके टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सॉरी जर्सी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सोनी लिव सोनी लि वालों ने बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप जर्सी फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो अदरवाइज इस फिल्म के दूसरे वर्जन है उसको हॉट स्टार भी अवेलेबल किए हुए हैं। जहाँ पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं गोल माइन टेली फिल्म है जिन्होंने फिल्म की डबिंग करवा दी है और उन्होंने इस फिल्म को यानी कि जर्सी के ओरिजिनल वर्जन को जर्सी के ही नाम से उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि गोल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर इस फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने जिन्होंने ओ राइट्स को अच्छे खासे प्राइस में खरीदा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को 20 मई 2022 के बाद उन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिया था तो नेटफ्लिक्स के ऊपर फिलहाल में ये फिल्म आपको जर्सी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नानी वाली जो तेलुगु वर्जन की जर्सी है वो आपको सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर विथ सब uh, बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है तेलुगु वाले का जो डब्ड वर्जन है वो आपको गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी में देखने को मिलेगा इसके अलावा हिंदी वर्जन यानी कि शाहिद कपूर वाले की, की जर्सी फिल्म है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप ये सभी वर्जन इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर जर्सी फिल्म के टेलीविज़न के राइट्स है वो जी एंटरटेनमेंट ने खरीदे हुए तो आने वाले कुछ समय में जी सिनेमा चैनल के ऊपर भी आपको जैसी फिल्म हिंदी में देखने को मिल जाएगी तो गाइज इस तरह से जैसे आप सभी वर्जन में देख सकते हो बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जर्सी फिल्म ने पहले दिन पे पौने चार करोड़ का ओपनिंग डे किया हुआ था कलेक्शन वहीं पे साढ़े पाँच करोड़ दूसरे दिन पे किए हुए थे तीसरे दिन पे भी साढ़े पाँच करोड़ फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस तरह से चौदह करोड़ पिचहत्तर लाख का फिल्म ने वीकेंड किया हुआ था वहीं पे सात मई दो तक फिल्म ने बाईस करोड़ पैंसठ लाख का इंडिया में कलेक्शन

वो डेट नहीं थी उसको पहले 28 अगस्त 2020 को सेट किया गया था बाद में कोविड 19 की वजह से चेंज करते हुए 5 नवंबर 2021 को सेट किया गया और बाद में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे उसकी वजह से 31 दिसंबर 2021 को फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया था लेकिन फिर से ओमिक्रॉन वायरस के चलते फिल्म को पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में चौदह अप्रैल दो की डेट फाइनलाइज़ की गई लेकिन तब तमिल लैंग्वेज की बीस्ट और के जी वर्जन की फिल्म के चैप्टर टू दोनों फिल्म का बस काफ़ी बड़ा था दोनों मार्केट में काफ़ी बड़ी फिल्में थी तो उसके सामने फिल्म हो रही थी जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए एक वीक लेटर बाईस अप्रैल दो को रिलीज किया गया जहां पर फिल्म ने 28 से तीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन दिया हुआ है लाइफ टाइम का तो ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म उसी वजह से साबित हुई थी अदरवाइज़ फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यू हासिल किया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी लेकिन कुछ रीजंस के, के चलते कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिसके चलते फिल्म थिएटर में नहीं चली अदरवाइज़ अगर रेगुलर 2019 के टाइम के आसपास ये फिल्म आती जिस तरह से कबीर सिंह आई थी तो ये फिल्म भी दो करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती थी अगर आपको अभी फिलहाल में फिल्म शाहिद कपूर वाली जर्सी देखनी है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो वहाँ पे इन्जॉय कर पाओगे और तेलुगू का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको यूट्यूब पे गोलमाइस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप तेलुगु हिंदी डब्ड और हिंदी वर्जन की जर्सी फिल्म देख सकते हो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से जर्सी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जहाँ पे स्पोर्ट के साथ जोड़कर इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है और ये फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक फिल्म थी जिसका नाम भी जर्सी था उसका ऑफिशियल रीमेक है फिल्म के डायरेक्टर है गौतम तिन्ना नूरी जहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले गौतम तिन्ना नूरी के ही है वहीं पे डायलॉग्स लिखे हुए सिद्धार्थ गरिमा ने प्रोड्यूसर्स की बात करें तो दिल अल्लू अरविंद सूर्य देव नारायण नागा और अमन गिल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे ल्लू एंटरटेनमेंट तिल प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट और ब्रेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है बालाजी मोशन पिक्चर्स पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट और यशराज फिल्म जहाँ पे यशराज फिल्म ने इस फिल्म को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे, पे पेन मरुदकर ने और बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इंडिया में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर पंकज कपूर और रोनीत कामरा आपको लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं वहीं पे गीतिका मेहरानदुर रुदान श्री मजमूदार अंजुम बात्रा ऋतुराज सिंह विनय वर्मा और प्रीत कामनी आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिसके बदौलत फिल्म की कहानी को एक बढ़िया सा मोड़ दिया हुआ है इमोशनली और स्पोर्ट्स के लेवल पे काफी बढ़िया तरीके से फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बात करें तो 22 अप्रैल 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जिसका रन टाइम था 170 मिनट यानी कि यह फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है यानी कि 12 साल से बड़े सभी लोग इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर पाएंगे जहाँ पे थिएटर में जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था उसको लोगों ने पहले ही यूट्यूब पे ऑफिशियली देख लिया था जिसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है तो उस वजह से इस फिल्म का उतना कुछ मार्केट में क्रेज नहीं बना था वैसे तो फिल्म का काफी बढ़िया क्रेज था अच्छा खासा कलेक्शन भी कर जाती लेकिन फिल्म बार बार पोस्टोंड हुई थी जिस वजह से जिस तरह से मार्केटिंग फिल्म की की गई थी जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट सेट किए गए थे वो पूरी तरह से फेल गए थे और इसका सीधा असर आपको आई पे भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को करीबन अड़तालीस वोट मिले हुए आई एम पे जिसमें से छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे इस रिस्पॉन्स के चलते फिल्म के कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे स्क्रीन प्ले फिल्म की जो बोरियत कुछ स्टोरी में कुछ जगह पे महसूस होते तो वो कुछ जगह है जहां पे फिल्म को क्रिटिसाइज किया हुआ था वहीं पे फिल्म की परफॉर्मेंसेस की काफी तारीफ की गई थी इस फिल्म में आपको शाहिद कपूर अर्जुन तलवार के रोल में दिखाई देंगे मृणाल ठाकुर को विद्या राव तलवार यानी कि अर्जुन की वाइफ का रोल दिया हुआ है पंकज कपूर ने बाली का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के कोच है रोनित कामरा ने यंग केतन तलवार यानी कि किट्टू का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के बेटे गीतिका मेहराद्रो ने जसलिन शेरगिल का रोल प्ले किया हुआ है रुद्र सिंह मजमूदार ने रुद्र जुनेजा

और वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है जो रणजी मैच खेलता आ रहा है दुलीप ट्रॉफी जीती हुई है अचानक दस साल के बाद की कहानी दिखाई दी जाती है जहाँ पे उसकी उम्र छत्तीस साल हो चुकी है उसका एक बेटा है और साथ ही में उसकी एक वाइफ है जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी बाद में उसकी वाइफ बनी और उनका एक बेटा है जो क्रिकेट खेलता है पढ़ाई करता है जो अपने पापा से काफ़ी क्लोज है एक दिन अपने बर्थडे के मौके पर वो अर्जुन से इंडियन नेशनल टीम की जर्सी मांग लेता है जिसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो स्पोर्ट्स स्टोर में अवेलेबल है जिसकी प्राइस है पाँच सौ रुपये तो अब अर्जुन के पास वो पाँच सौ रुपये भी नहीं है कि जो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर पाए तो उसके पीछे काफ़ी जो मशक्कत तो करता है और उसके बाद में वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो फिर से क्रिकेट ज्वाइन करेगा जो छब्बीस साल की उम्र में उसने छोड़ा हुआ था तो अब वो फिर से छत्तीस साल की उम्र में क्रिकेट ज्वाइन करेगा उसके बाद में वो जिस तरह से क्रिकेट खेलता है उसके बाद में किस तरह से वो इंडियन टीम तक सेलेक्क होगा या नहीं होगा रणजी में उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में 36 साल की उम्र यानी एक ऐसी एज मानी जाती है जहां पे करियर ख़त्म होने के कगार पे होता है तो अब उसी टाइम पे वो अपना करियर की सेकंड इनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब ये सभी चीज़ों में फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है जहां पे क्लाइमेक्स में एक खतरनाक धमाका देखने को मिलेगा फिल्म इमोशनली काफ़ी परफेक्ट है इमोशंस को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जहाँ पे फादर सन का जो इमोशन है साथ ही में हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्रिकेट के प्रति जो प्यार दिखाया हुआ है जिस तरह से इन सभी चीज़ों को छोटे छोटे पलों को जिस तरह से डायरेक्टर ने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया है वहाँ पर गौतम तिन्ना नूरी ने पूरे पॉइंट जीते हुए लेकिन इस फिल्म को दो घंटे पचास मिनट का बनाया हुआ है जहाँ पे एडिटर की एडिटिंग की हुई है नवीन नुल्ली ने जिनको इस फिल्म को थोड़ा छोटा करना चाहिए था उन्होंने काफ़ी बड़ा रख दिया है जहाँ इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंदन ने किया हुआ है और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए सचेत परम्परा ने फिल्म के गाने बढ़िया है जहाँ पे सॉन्ग्स में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे मेहरम मैया मेनू बलिया रे और जिंद मेरी है जिसकी टोटल लेंथ है चौदह मिनट तिरतालीस सेकंड और ये सभी वर्जन आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में गानों को रिलीज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको क्रिएट किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने जहाँ पे ओरिजिनल जो तेलुगु वर्जन है वहीं से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उठाया हुआ है सेम बैकग्राउंड स्कोर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है और अनिरुद्ध रविचंदन ने ही ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म की जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि जर्सी जिसको 2019 में तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और वो वहाँ की एक कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे उस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे साथ ही में नानी जो फिल्म के लीड एक्ट्रेस थे उन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी उस फिल्म को गौतम तिन्ान ने ही लिखा और डिली किया होता और प्रोडक्शन कंपनी सितारा एंटरटेनमेंट ही थी वहीं पर एडिटर और म्यूजिक डायरेक्टर भी सेम थे नवीन नुल्ली और अनिरुद्ध रविचंद्र लेकिन वो फिल्म एक मिनट की थी और ये फिल्म थी एक मिनट की ये फिल्म दस मिनट बड़ी थी जहाँ पे जो दस मिनट बड़ी रखी हुई है फिल्म में वहीं पर कुछ ऐसे मोमेंट है जिसको चॉप आउट किया जा सकता था इसके अलावा उस फिल्म को उन्नीस अप्रैल दो हजार को जब रिलीज किया गया यूएस सर्टिफिकेट के साथ 25 करोड़ के बजट के साथ तो उस टाइम पे फिल्म ने 55 करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था और नानी के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे वहाँ पे नानी श्रद्धा श्रीनाथ रोनित कामराज जो छोटे बच्चे का रोल है वो भी दोनों फिल्म में सेम है सत्यराज विश्वनाथ दादमपोड़ी सा शाह सभी ने अपनी परफॉर्मेंस खूब काफी बढ़िया तरीके से दी हुई थी जिस वजह से तेलुगु लैंग्वेज में फिल्म काफी चली थी और उसके बाद में फिल्म का हिंदी में ऑफिशियल रिमेक बनाया गया पे प्रोड्यूसर सेम थे कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट सेम था इसके अलावा कुछ कास्ट में चेंजेस किए गए जहाँ पे शाहिद कपूर को लेकर इस फिल्म की कहानी सेट की गई थी और फिल्म को ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया वो था दो के ही टाइम पे जहाँ पे फिल्म वो अर्जुन रेड्डी की रीमेक आई हुई थी कबीर सिंह हिट होने के बाद इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे पता चला था कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना शायद हो सकती है श्रद्धा कपूर को भी कंसीडर किया जा रहा था शायद कपूर के अपोजिट लेकिन जब ऑफिशियल 14 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल कास्ट और क्रियो अनाउंस किया तब पता चला कि मोनाल ठाकुर को फाइनल किया हुआ है शायद कपूर के अपोजिट जहाँ पे शायद के फादर वो एक कोच मूर्ति वाला किरदार प्ले करने वाले पंकज कपूर ने जो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल उससे पहले जो सत्यराज ने प्ले किया हुआ था वही रोल पंकज कपूर ने इसमें बाली के नाम से प्ले किया हुआ था कोच का किदा फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 14 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में की गई थी जनवरी 2020 तक फिल्म के कई परसेंट शूटिंग कंप्लीट कर दी गई थी पेड पेंडेमिक के दौरान फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था बाद में अक्टूबर महीने तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और देहरादून में दून में फिल्म की शूटिंग के कई सीक्वेंस शूट किए गए थे कुछ स्कूल में शूट किए गए थे कुछ ग्राउंड पे तो इस तरह से पूरी फिल्म की शूटिंग 14 दिसंबर 2020 तक कम्प्लीट करवा दी गई थी ओवरऑल देखें तो फिल्म की रीमेक अच्छी तरह से की गई है थोड़ी छोटी कर देते रीमेक को तो बढ़िया रहता अदरवाइज फिल्म की रीमेक काफ़ी बढ़िया फेथफुल तरीके से की गई है अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है तो ये रीमेक वर्जन देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है अब हम बात करें कि ये सभी वर्जंस कहाँ पे अवेलेबल है कौन से ओटीटी प्लेटफार्म के ऊपर तो पहले मैं आपको तेलुगु वर्जन के ऊपर डिटेलिंग देता हूँ उसके बाद हिंदी वर्जन के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के राइट्स खरीदे हुए सॉरी तो इस फिल्म के यानी कि जर्सी फिल्म के जो तेलुगु वर्जन है उसके ओटीटी राइट्स खरीदे हुए Amazon Prime Video ने जहाँ पे Amazon Prime Video ने इस फिल्म को ऑफिशियली उनको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सॉरी जर्सी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सोनी लिव सोनी लिव वालों ने बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप जर्सी फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो अदरवाइज इस फिल्म के दूसरे वर्जन है उसको हॉटस्टार पे भी अवेलेबल किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं गोल माइन्स टेली फिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग करवा दी है और उन्होंने इस फिल्म को यानी कि जर्सी के ओरिजिनल वर्जन को जर्सी के ही नाम से उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि गोलमाइंस के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने जिन्होंने ओटीटी राइट्स को अच्छे खासे प्राइस में खरीदा हुआ था जहां पे इस फिल्म को 20 मई 2022 के बाद उन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिया था तो नेटफ्लिक्स के ऊपर फिलहाल में ये फिल्म आपको जर्सी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नानी वाली जो तेलुगु वर्जन की जर्सी है वो आपको सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर विथ सब uh, बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है तेलुगु वाले का जो डब्ड वर्जन है वो आपको गोलमाइन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी में देखने को मिलेगा इसके अलावा हिंदी वर्जन यानी कि शाहिद कपूर वाले की, की जर्सी फिल्म है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप ये सभी वर्जन इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर जैसी फिल्म के टेलीविजन के राइट्स है वो जी एंटरटेनमेंट ने खरीदे हुए तो आने वाले कुछ समय में जी सिनेमा चैनल के ऊपर भी आपको जैसी फिल्म हिंदी में देखने को मिल जाएगी तो गाइज इस तरह से जैसे आप सभी वर्जन में देख सकते हो बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जैसी फिल्म ने पहले दिन पे पौने चार करोड़ का ओपनिंग डे किया हुआ था कलेक्शन वहीं पे साढ़े पाँच करोड़ दूसरे दिन पे किए हुए थे तीसरे दिन पे भी साढ़े पाँच करोड़ फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस तरह से चौदह करोड़ पिचहत्तर लाख का फिल्म ने वीकेंड किया हुआ था वहीं पर सात मई दो तक फिल्म ने बाईस करोड़ पैंसठ लाख का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था वहीं पर चार करोड़ सैंतालीस लाख का ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन फिल्म का सत्ताईस करोड़ बारह लाख

उसको पहले 28 अगस्त 2020 को सेट किया गया था बाद में कोविड 19 की वजह से चेंज करते हुए 5 नवंबर 2021 को सेट किया गया और बाद में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे उसकी वजह से 31 दिसंबर 2021 को फिल्म को रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था लेकिन फिर से ओमिक्रॉन वायरस के चलते फिल्म को पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में चौदह अप्रैल दो की डेट फाइनलाइज की गई लेकिन तब तमिल लैंग्वेज की बेस्ट और के जी कन्नड़ा वर्जन की फिल्म के चैप्टर टू दोनों फिल्म का बस काफ़ी बड़ा था दोनों मार्केट में काफ़ी बड़ी फिल्में थी तो उसके सामने फिल्म क्लेस हो रही थी जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए एक वीक लेटर बाईस अप्रैल दो को रिलीज किया गया जहां पे फिल्म ने 28 से तीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन दिया हुआ है लाइफ टाइम का तो ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म उसी वजह से साबित हुई थी अदरवाइज़ फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यू हासिल किया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी लेकिन कुछ रीजंस के चलते कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिसके चलते फिल्म थिएटर में नहीं चली अदरवाइज़ अगर रेगुलर दो के टाइम के आसपास ये फिल्म आती जिस तरह से कबीर सिंह आई थी तो ये फिल्म भी दो करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती थी अगर आपको अभी ये फिलहाल में फिल्म जिद कपूर वाली जर्सी देखनी है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर विंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो वहां पे एंजॉय कर पाओगे और तेलुगु का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको यूट्यूब पे गोलमेस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप तेलगू हिंदी डब्ड और हिंदी वर्जन की जर्सी फिल्म देख सकते हो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से जर्सी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जहां पे स्पोर्ट के साथ जोड़कर इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है और ये फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक फिल्म थी जिसका नाम भी जर्सी था उसका ऑफिशियल रीमेक है फिल्म के डायरेक्टर है गौतम तिन्ना नूरी जहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले गौतम तिन्ना नूरी कह ही है वहीं पे डायलॉग्स लिखे हुए सिद्धार्थ गरिमा ने प्रोड्यूसर्स की बात करें तो दिल राजू अल्लू अरविंद सूर्य नारायण नागा वामसी और अमन गिल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे अल्लू एंटरटेनमेंट दिलराजू प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट और ब्रेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है बालाजी मोशन पिक्चर्स पेन मरूदकर इंटरटेनमेंट और यशराज फिल्म जहाँ पर यशराज फिल्म ने इस फिल्म को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे पेन मरूदकर ने और बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इंडिया में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर पंकज कपूर और रोनित कामरा आपको लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं वहीं पे गीतिका मेहरनंद रुदंत श्री मजमूदार अंजुम बात्रा ऋतुराज सिंह विनय वर्मा और प्रीत कामनी आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ आर्टिस्ट हैं जिसके बदौलत फिल्म की कहानी को एक बढ़िया सा मोड़ दिया हुआ है इमोशनली और स्पोर्ट्स के लेवल पे काफी बढ़िया तरीके से फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बात करें तो 22 अप्रैल 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जिसका रन टाइम था 170 मिनट यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है यानी कि 12 साल से बड़े सभी लोग इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर पाएंगे जहाँ पे थिएटर में जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था उसको लोगों ने पहले ही यूट्यूब पे ऑफिशियली देख लिया था जिसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है तो उस वजह से इस फिल्म का उतना कुछ मार्केट में क्रेज नहीं बना था वैसे तो फिल्म का काफी बढ़िया क्रेज था अच्छा खासा कलेक्शन भी कर जाती लेकिन फिल्म बार बार पोस्टपोन हुई थी जिस वजह से जिस तरह से मार्केटिंग फिल्म की की गई थी जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट सेट किए गए थे वो पूरी तरह से फेल गए थे और इसका सीधा असर आपको आई पे भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को करीबन अड़तालीस वोट मिले हुए हैं आई पे जिसमें से छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे इस रिस्पॉन्स के चलते फिल्म के कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे स्क्रीन प्ले फिल्म की जो बोरियत कुछ स्टोरी में कुछ जगह पे बोरियत तो महसूस होते वो कुछ जगह है जहां पे फिल्म को क्रिटिसाइज किया हुआ मृणाल की की ठाकुर को कपूर ने बाली का रोल प्ले किया है जो अर्जुन के कोच है रोनित कामरा ने केतन तलवार यानी कि रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के बेटे गीतिका मेहरा ने जस्लिन शेरगिल का रोल प्ले किया हुआ है रुद्र सिंह मजमूदार ने रुद्रजुने का रोल प्ले, कि प्ले किया हुआ है अंजुम बात्रा ने अमृत यानी कि अर्जुन की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह ने महेश करमदार यानी कि मुंबई के कोच का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा ने कृष्णा राव यानी कि विद्या तलवार के फादर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रीत कामनी ने केमियोपेन्स दिया हुआ है एडल्ट केतन तलवार यानी कि किट्टू के रोल में तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने ये किरदार प्ले किए हुए थे जहाँ पे फिल्म की कहानी काफी सिंपल थी शाहिद कपूर का जो किरदार है अर्जुन तलवार वो एक क्रिकेटर है और वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है जो रणजी मैच खेलता आ रहा है दुलीप ट्रॉफी जीती हुई है अचानक दस साल के बाद की कहानी दिखाई दी जाती है जहाँ पे उसकी उम्र छत्तीस साल हो चुकी है उसका एक बेटा है और साथ ही में उसकी एक वाइफ है जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी बाद में उसकी वाइफ बनी और उनका एक बेटा है जो क्रिकेट खेलता है पढ़ाई करता है जो अपने पापा से काफ़ी क्लोज है एक दिन अपने बर्थडे के मौके पर वो अर्जुन से इंडियन टी नेशनल टीम की जर्सी मांग लेता है जिसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो स्पोर्ट्स स्टोर में अवेलेबल है जिसकी प्राइस है पाँच सौ रुपये तो अब अर्जुन के पास वो पाँच सौ रुपये भी नहीं है कि जो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर पाए तो उसके पीछे काफ़ी जो मशक्कत तो करता है और उसके बाद में वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो फिर से क्रिकेट ज्वाइन करेगा जो छब्बीस साल की उम्र में उसने छोड़ा हुआ था तो अब वो फिर से छत्तीस साल की उम्र में क्रिकेट ज्वाइन करेगा उसके बाद में वो जिस तरह से क्रिकेट खेलता है उसके बाद में किस तरह से वो इंडियन टीम तक सेलेक्ट होगा या नहीं होगा रणजी में उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में छत्तीस साल की उम्र यानी एक ऐसी एज मानी जाती है जहाँ पे करियर ख़त्म होने के कगार पे होता है तो अब उसी टाइम पे वो अपना करियर की सेकंड इनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे क्लाइमेक्स में एक खतरनाक धमाका देखने को मिलेगा फिल्म इमोशनली काफ़ी परफेक्ट है इमोशंस को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जहाँ पे फादर सन का जो इमोशन है साथ ही में हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्रिकेट के प्रति जो प्यार दिखाया हुआ है जिस तरह से इन सभी चीज़ों को छोटे छोटे पलों को जिस तरह से डायरेक्टर ने पेश किया हुआ था वो सभी चीजें बढ़िया है वहां पे गौतम तिन्ना नूरी ने पूरे पॉइंट जीते हुए लेकिन इस फिल्म को दो घंटे पचास मिनट का बनाया हुआ है जहाँ पे एडिटर की एडिटिंग की हुई है नवीन नुल्ली ने जिनको इस फिल्म को थोड़ा छोटा करना चाहिए था उन्होंने काफी बड़ा रख दिया है जहाँ इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंदन ने किया हुआ है और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए सचेत परंपरा ने फिल्म के गाने बढ़िया है जहाँ पे सॉन्ग्स में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे मेहरम मैया मेनू बलियारे और जिंद मेरी है जिसकी टोटल लेंथ चौदह मिनट तैतालीस सेकंड और ये सभी वर्जन आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे जहां पे वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में गानों को रिलीज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको क्रिएट किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने जहाँ पे ओरिजिनल जो तेलुगु वर्जन है वहीं से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उठाया हुआ है सेम बैकग्राउंड स्कोर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है और अनिरुद्ध रविचंदन ने ही ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म की जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि जर्सी जिसको 2019 में तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और वो वहाँ की एक कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे उस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे साथ ही में नानी जो फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी उस फिल्म को गौतम तिन्नुर ने ही लिखा और डरेक्ट किया होता और प्रोडक्शन कंपनी सितारा एंटरटेनमेंट ही थी वहीं पर एडिटर और म्यूजिक डायरेक्टर भी सेम थे नवीन नुल्ली और अनिरुद्ध रविचंद्र लेकिन वो फिल्म एक मिनट की थी और ये फिल्म थी एक मिनट की ये फिल्म दस मिनट बड़ी थी जहाँ पे जो दस मिनट बड़ी रखी हुई फिल्म में वहीं पर कुछ ऐसे मोमेंट है जिसको चॉप आउट किया जा सकता था इसके अलावा उस फिल्म को उन्नीस अप्रैल दो हजार को जब रिलीज किया गया यूएस सर्टिफिकेट के साथ 25 करोड़ के बजट के साथ तो उस टाइम पे फिल्म ने 55 करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था और नानी के करियर की वन ऑफ द दाइस्ट ग्रोसिंग से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे वहाँ पे नानी श्रद्धा श्रीनाथ रोनित कामराज जो छोटे बच्चे का रोल है वो भी दोनों फिल्म में सेम है सत्यराज विश्वनाथ दादमपोड़ी सानु शा संपतराज सभी ने अपनी परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया तरीके से दी हुई थी जिस वजह से तेलुगु लैंग्वेज में फिल्म काफी चली थी और उसके बाद में फिल्म का हिंदी में ऑफिशियल रिमेक बनाया गया पे प्रोड्यूसर सेम थे कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट सेम था इसके अलावा कुछ कास्ट में चेंजेस किए गए जहां पे शायद कपूर को लेकर इस फिल्म की कहानी से की गई थी और फिल्म को ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया वो था दो के ही टाइम पे जहाँ पे फिल्म वो अर्जुन रेड्डी की रीमेक आई हुई थी कबीर सिंह हिट होने के बाद इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे पता चला था कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना शायद हो सकती है श्रद्धा कपूर को भी कंसीडर किया जा रहा था शायद कपूर के अपोजिट लेकिन जब ऑफिशियल 14 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल कास्ट और क्रियो अनाउंस किया तब पता चला कि मोनाल ठाकुर को फाइनल किया हुआ है शायद कपूर के अपोजिट जहाँ पे शायद के फादर वो एक कोच मूर्ति वाला किरदार प्ले करने वाले पंकज कपूर ने जो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल उससे पहले जो, जो सत्यराज ने प्ले किया हुआ था वही रोल पंकज कपूर ने इसमें बाली के नाम से प्ले किया हुआ था कोच का किदा फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 14 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में की गई थी जनवरी 2020 तक फिल्म के कई परसेंट शूटिंग कंप्लीट कर दी गई थी पे पेंडेमिक के दौरान फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था बाद में अक्टूबर महीने तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और देहरादून में में फिल्म की शूटिंग के कई सीक्वेंस शूट किए गए थे कुछ स्कूल में शूट किए गए थे कुछ ग्राउंड पे तो इस तरह से पूरी फिल्म की शूटिंग 14 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवा दी

तो इस फिल्म के यानी कि जर्सी फिल्म के जो तेलुगु वर्जन है उसके ओ राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जहाँ पर अमेजोन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को ऑफिशियली उन टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सॉरी जर्सी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सोनी लिव सोनी लिव वालों ने बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप जर्सी फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो अदरवाइज़ इस फिल्म के दूसरे वर्जन है उसको होट स्टार भी अवेलेबल किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं गोल माइंस टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म, फिल्म की डबिंग करवा दी है और उन्होंने इस फिल्म को यानी कि जर्सी के ओरिजिनल वर्जन को जर्सी के ही नाम से उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि गोलमाइंस के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने जिन्होंने ओ राइट्स को अच्छे खासे प्राइस में खरीदा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को 20 मई 2022 के बाद उन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिया था तो नेटफ्लिक्स के ऊपर फिलहाल में ये फिल्म आपको जर्सी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नानी वाली जो तेलुगु वर्ज़न की जर्सी है वो आपको सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर विथ सब uh, बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है तेलुगु वाले का जो डब्ड वर्ज़न है वो आपको गोल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी में देखने को मिलेगा इसके अलावा हिंदी वर्जन यानी कि शाहिद कपूर वाले की जर्सी फिल्म है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप ये सभी वर्जन इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर जैसी फिल्म के टेलीविज़न के राइट्स है वो जी एंटरटेनमेंट ने खरीदे हुए तो आने वाले कुछ समय में जी सिनेमा चैनल के ऊपर भी आपको फिल्म हिंदी में देखने को मिल जाएगी तो गाइज इस तरह से जैसे आप सभी वर्जन में देख सकते हो बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जैसी फिल्म ने पहले दिन पे पौने करोड़ का ओपनिंग डे किया था कलेक्शन वहीं पे पाँच पे पे पाँच करोड़ करोड़ दूसरे दिन दिन किए हुए थे तीसरे भी फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस तरह से चौदह करोड़ पिचहत्तर वीकेंड किया हुआ था वहीं पे सात मई दो तक फिल्म ने बाईस करोड़ पैंसठ लाख का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे चार करोड़ सैतालीस लाख का ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड

उसको पहले अट्ठाईस अगस्त दो को सेट किया गया था बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से चेंज करते हुए पाँच नवंबर दो को सेट किया गया और बाद में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे उसकी वजह से इकतीस दिसंबर दो को फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया था लेकिन फिर से ओमिक्रॉन वायरस के चलते फिल्म को पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में 14 अप्रैल 2022 की डेट फाइनलाइज़ की गई लेकिन तब तमिल लैंग्वेज की बेस्ट और के जी एफ कन्डा वर्जन की फिल्म के जी एफ चैप्टर टू दोनों फिल्म का बस काफ़ी बड़ा था दोनों मार्केट में काफ़ी बड़ी फिल्में थी तो उसके सामने फिल्म क्ले हो रही थी जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए एक वीक लेटर बाईस अप्रैल दो बाई को रिलीज किया गया जहां पर फिल्म ने 28 से तीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन दिया हुआ है लाइफ टाइम का तो ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म उसी वजह से साबित हुई थी अदरवाइज़ फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यू हासिल किया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी लेकिन कुछ रीजंस के चलते कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिसके चलते फिल्म थिएटर में नहीं चली अदरवाइज़ अगर रेगुलर दो के टाइम के आसपास ये फिल्म आती जिस तरह से कबीर सिंह आई थी तो ये फिल्म भी दो करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती थी अगर आपको अभी फिलहाल में फिल्म शाहिद कपूर वाली जर्सी देखनी है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो वहां पे एंजॉय कर पाओगे और तेलुगु का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको यूट्यूब पे गोलमाइस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप तेलुगु हिंदी डब्ड और हिंदी वर्जन की जर्सी फिल्म देख सकते हो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से जर्सी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जहां पे स्पोर्ट्स के साथ जोड़कर इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है और ये फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक फिल्म थी जिसका नाम भी जर्सी था उसका ऑफिशियल रीमेक है फिल्म के डायरेक्टर है गौतम तिन्ना नूरी जहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले गौतम तिन्ना नूरी कह ही है वहीं पर डायलॉग्स लिखे हुए सिद्धार्थ गरिमा ने प्रोड्यूसर्स की बात करें तो दिल राजू अल्लू अरविंद सूर्य नारायण नागा वामसी और अमन गिल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे अल्लू एंटरटेनमेंट दिलराजू प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट और ब्रेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है बालाजी मोशन पिक्चर्स पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट और यशराज फिल्म जहाँ पे यशराज फिल्म ने इस फिल्म को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे, पे पेन मरुदकर ने और बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इंडिया में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर पंकज कपूर और रोनित कामरा आपको लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं वहीं पे गीतिका मेहरानदुर रुदांत श्री मजमूदार अंजुम बात्रा ऋतुराज सिंह विनय वर्मा और प्रीत कामनी आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिसके बदौलत फिल्म की कहानी को एक बढ़िया सा मोड़ दिया हुआ है इमोशनली और स्पोर्ट्स के लेवल पे काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बात करें तो 22 अप्रैल 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जिसका रन टाइम था 170 मिनट यानी कि यह फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है यानी कि 12 साल से बड़े सभी लोग इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर पाएंगे जहाँ पे थिएटर में जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था उसको लोगों ने पहले ही यूट्यूब पे ऑफिशियली देख लिया था जिसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है तो तो उस वजह से इस फिल्म का उतना कुछ मार्केट में क्रेज नहीं बना था वैसे तो फिल्म का काफी बढ़िया क्रेज था अच्छा खासा कलेक्शन भी कर जाती लेकिन फिल्म बार बार पोस्टोंड हुई थी जिस वजह से जिस तरह से मार्केटिंग फिल्म की की गई थी जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट सेट किए गए थे वो पूरी तरह से फेल गए थे और इसका सीधा असर आपको आई पे भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को करीबन 4800 वोट मिले हुए आई पे जिसमें से छ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे इस रिस्पॉन्स के चलते फिल्म के कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे स्क्रीन प्ले फिल्म की जो बोरियत कुछ स्टोरी में कुछ जगह पे महसूस होते है, तो वो कुछ जगह है जहां पे फिल्म को क्रिटिसाइज किया हुआ था वहीं पे फिल्म की परफॉर्मेंसेस की काफ़ी तारीफ की गई थी इस फिल्म में आपको शाहिद कपूर अर्जुन तलवार के रोल में दिखाई देंगे ठाकुर को विद्या राव तलवार यानी कि अर्जुन की वाइफ का रोल दिया हुआ है पंकज कपूर ने बालिक का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के कोच है रोनित कामरा ने यंग केतन तलवार यानी कि किट्टू का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के बेटे गीतिका मेहराद्रो ने जसलिन शेरगिल का रोल प्ले किया हुआ है रुद्र सिंह मजमूदार ने रुद्र जुनेजा

और वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है जो रणजी मैच खेलता आ रहा है दुलीप ट्रॉफी जीती हुई है अचानक दस साल के बाद की कहानी दिखाई दी जाती है जहाँ पे उसकी उम्र छत्तीस साल हो चुकी है उसका एक बेटा है और साथ ही में उसकी एक वाइफ है जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी बाद में उसकी वाइफ बनी और उनका एक बेटा है जो क्रिकेट खेलता है पढ़ाई करता है जो अपने पापा से काफ़ी क्लोज है एक दिन अपने बर्थडे के मौके पर वो अर्जुन से इंडियन नेशनल टीम की जर्सी मांग लेता है जिसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो आ, स्पोर्ट स्टोर में अवेलेबल है जिसकी प्राइस है पाँच सौ रुपये तो अब अर्जुन के पास वो पाँच सौ रुपये भी नहीं है कि जो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर पाए तो उसके पीछे काफ़ी जो मशक्कत तो करता है और उसके बाद में वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो फिर से क्रिकेट ज्वाइन करेगा जो छब्बीस साल की उम्र में उसने छोड़ा हुआ था तो अब वो फिर से छत्तीस साल की उम्र में क्रिकेट ज्वाइन करेगा उसके बाद में वो जिस तरह से क्रिकेट खेलता है उसके बाद में किस तरह से वो इंडियन टीम तक सेले होगा या नहीं होगा रणजी में उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में छत्तीस साल की उम्र यानी एक ऐसी एज मानी जाती है जहां पे करियर ख़त्म होने के कगार पे होता है तो अब उसी टाइम पे वो अपना करियर की सेकंड इनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहां पे क्लाइमेक्स में एक खतरनाक धमाका देखने को मिलेगा फिल्म इमोशनली काफ़ी परफेक्ट है इमोशंस को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जहाँ पे फादर सन का जो इमोशन है साथ ही में हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्रिकेट के प्रति जो प्यार दिखाया हुआ है जिस तरह से इन सभी चीज़ों को छोटे छोटे पलों को जिस तरह से डायरेक्टर ने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया है वहाँ पर गौतम तिन्ना नूरी ने पूरे पॉइंट जीते हुए लेकिन इस फिल्म को दो घंटे पचास मिनट का बनाया हुआ है जहाँ पे एडिटर की एडिटिंग की हुई नवीन नुल्ली ने जिनको इस फिल्म को थोड़ा छोटा करना चाहिए था उन्होंने काफ़ी बड़ा रख दिया है जहाँ इसके अलावा म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंदन ने किया हुआ है और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए सचेत परम्परा ने फिल्म के गाने बढ़िया है जहाँ पे सॉन्ग्स में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे मेहरम मैया मेनू बलिया रे और जिंद मेरी है। जिसकी टोटल लेंथ है चौदह मिनट तिरतालीस सेकंड और ये सभी वर्जन आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में गानों को रिलीज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको क्रिएट किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने जहाँ पे ओरिजिनल जो तेलुगु वर्जन है वहीं से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उठाया हुआ है सेम बैकग्राउंड स्कोर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है और अनिरुद्ध रविचंदन ने ही ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म की जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि जर्सी जिसको 2019 में तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और वो वहाँ की एक कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे उस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे साथ ही में नानी जो फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी उस फिल्म को गौतम तिन्ानूर ने ही लिखा और डिलेक्ट किया होता और प्रोडक्शन कंपनी सितारा एंटरटेनमेंट ही थी वहीं पर एडिटर और म्यूजिक डायरेक्टर भी सेम थे नवीन नुल्ली और अनिरुद्ध रविचंद्र लेकिन वो फिल्म एक मिनट की थी और ये फिल्म थी एक मिनट की ये फिल्म दस मिनट बड़ी थी जहाँ पे जो दस मिनट बड़ी रखी हुई है फिल्म में वहीं पर कुछ ऐसे मोमेंट है जिसको चॉप आउट किया जा सकता था इसके अलावा उस फिल्म को उन्नीस अप्रैल दो हजार को जब रिलीज किया गया यूएस सर्टिफिकेट के साथ 25 करोड़ के बजट के साथ तो उस टाइम पे फिल्म ने 55 करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था और नानी के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे वहां पे नानी श्रद्धा श्रीनाथ रोनित कामराज जो छोटे बच्चे का रोल है वो भी दोनों फिल्म में सेम है सत्यराज विश्वनाथ दादमपोड़ी सा शाह सभी ने अपनी परफॉर्मेंस को भी काफी बढ़िया तरीके से दी हुई थी जिस वजह से तेलुगु लैंग्वेज में फिल्म काफी चली थी और उसके बाद में फिल्म का हिंदी में ऑफिशियल रिमेक बनाया गया जहां पे प्रोड्यूसर सेम थे कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट सेम था इसके अलावा कुछ कास्ट में चेंजेस किए गए जहाँ पे शायद कपूर को लेकर इस फिल्म की कहानी से एड की गई थी और फिल्म को ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया वो था दो के ही टाइम पे जहाँ पे फिल्म वो अर्जुन रेड्डी की रीमेक आई हुई थी कबीर सिंह हिट होने के बाद इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे पता चला था कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना शायद हो सकती है श्रद्धा कपूर को भी कंसीडर किया जा रहा था शायद कपूर के अपोजिट लेकिन जब ऑफिशियल 14 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल कास्ट और क्रियो अनाउंस किया तब पता चला कि मोनाल ठाकुर को फाइनल किया हुआ है शायद कपूर के अपोजिट जहाँ पे शाहद के फादर वो एक कोच मूर्ति वाला किरदार प्ले करने वाले पंकज कपूर ने जो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल उससे पहले जो, जो सत्यराज ने प्ले किया हुआ था वही रोल पंकज कपूर ने इसमें बाली के नाम से प्ले किया हुआ था कोच का किदा फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 14 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में की गई थी जनवरी 2020 तक फिल्म के कई परसेंट शूटिंग कंप्लीट कर दी गई थी पे पेंडेमिक के दौरान फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था बाद में अक्टूबर महीने तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और देहरादून दून में फिल्म की शूटिंग के कई सीक्वेंस शूट किए गए थे कुछ स्कूल में शूट किए गए थे कुछ ग्राउंड पे तो इस तरह से पूरी फिल्म की शूटिंग 14 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवा दी

तो इस फिल्म के यानी कि जर्सी फिल्म के जो तेलुगु वर्जन है उसके ओ राइट्स खरीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने जहाँ पे Amazon प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को ऑफिशियली उनके टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सॉरी जर्सी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सोनी लिव सोनी लिव वालों ने बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप जर्सी फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो अदरवाइज इस फिल्म के दूसरे वर्जन है उसको हॉटस्टार पे भी अवेलेबल किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं गोल माइन्स टेलीफिल्स ने जिन्होंने फिल्म, फिल्म की डबिंग करवा दी है और उन्होंने इस फिल्म को यानी कि जर्सी के ओरिजिनल वर्ज़न को जर्सी के ही नाम से उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि गोल माइंस के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने जिन्होंने ओ राइट्स को अच्छे खासे प्राइस में खरीदा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को 20 मई 2022 के बाद उन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिया था तो नेटफ्लिक्स के ऊपर फिलहाल में ये फिल्म आपको जर्सी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नानी वाली जो तेलुगु वर्जन की जर्सी है वो आपको सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर विथ सब uh, बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है तेलुगु वाले का जो डब्ड वर्जन है वो आपको गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी में देखने को मिलेगा इसके अलावा हिंदी वर्जन यानी कि शाहिद कपूर वाले की जर्सी फिल्म है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप ये सभी वर्जन इंजॉय कर पाओगे वहीं पर जैसी फिल्म के टेलीविजन के राइट्स है वो जी एंटरटेनमेंट ने खरीदे हुए तो आने वाले कुछ समय में जी सिनेमा चैनल के ऊपर भी आपको जैसी फिल्म हिंदी में देखने को मिल जाएगी तो गाइज इस तरह से जैसे आप सभी वर्जन में देख सकते हो बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जैसी फिल्म ने पहले दिन पे पौने चार करोड़ का ओपनिंग डे किया हुआ था कलेक्शन वहीं पे साढ़े पाँच करोड़ दूसरे दिन पे किए हुए थे तीसरे दिन पे भी साढ़े पाँच करोड़ फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस तरह से चौदह करोड़ पिचहत्तर लाख का फिल्म ने वीकेंड किया हुआ था वहीं पर सात मई दो तक फिल्म ने बाईस करोड़ पैंसठ लाख का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था वहीं पर चार करोड़ सैंतालीस लाख का ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन फिल्म का सत्ताईस करोड़ बारह लाख

उसको पहले 28 अगस्त 2020 को सेट किया गया था बाद में कोविड 19 की वजह से चेंज करते हुए 5 नवंबर 2021 को सेट किया गया और बाद में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे उसकी वजह से 31 दिसंबर 2021 को फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया था लेकिन फिर से ओमिक्रॉन वायरस के चलते फिल्म को पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में चौदह अप्रैल दो की डेट फाइनलाइज़ की गई लेकिन तब तमिल लैंग्वेज की बेस्ट और के जी वर्जन की फिल्म के चैप्टर टू दोनों फिल्म का बस काफ़ी बड़ा था दोनों मार्केट में काफ़ी बड़ी फिल्में थी तो उसके सामने फिल्म क्लेश हो रही थी जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए एक वीक लेटर बाईस अप्रैल दो बाईस को रिलीज किया गया जहां पे फिल्म ने 28 से तीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन दिया हुआ है लाइफ टाइम का तो ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म उसी वजह से साबित हुई थी अदरवाइज़ फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यू हासिल किया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी लेकिन कुछ रीजंस के चलते कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिसके चलते फिल्म थिएटर में नहीं चली अदरवाइज़ अगर रेगुलर दो के टाइम के आसपास ये फिल्म आती जिस तरह से कबीर सिंह आई थी तो ये फिल्म भी दो करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती थी अगर आपको अभी फिलहाल में फिल्म जैद कपूर वाली जर्सी देखनी है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो वहां पे एंजॉय कर पाओगे और तेलगु का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको यूट्यूब पे गोलमेस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप तेलुगु हिंदी डब्ड और हिंदी वर्जन की जर्सी फिल्म देख सकते हो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से जर्सी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जहां पे स्पोर्ट के साथ जोड़कर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है और ये फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक फिल्म थी जिसका नाम भी जर्सी था उसका ऑफिशियल रीमेक है फिल्म के डायरेक्टर है गौतम तिन्ना नूरी जहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले गौतम तिन्ना नूरी कह ही है वहीं पर डायलॉग्स लिखे हुए सिद्धार्थ गरिमा ने प्रोड्यूसर्स की बात करें तो दिल राजू अल्लू अरविंद सूर्य नारायण नागा वामसी और अमन गिल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे अल्लू एंटरटेनमेंट दिलराजू प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट और ब्रेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है बालाजी मोशन पिक्चर्स पेन मरूदकर एंटरटेनमेंट और यशराज फिल्म जहाँ पर यशराज फिल्म ने इस फिल्म को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे पेन मरूदकर ने और बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इंडिया में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर पंकज कपूर और रोनित कामरा आपको लीड रोल में देखने को मिलने वाले है वहीं पे गीतिका मेहरानदू रुदांत श्री मजमूदार अंजुम बात्रा ऋतुराज सिंह विनय वर्मा और प्रीत कामनी आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिसके बदौलत फिल्म की कहानी को एक बढ़िया सा मोड़ दिया हुआ है इमोशनली और स्पोर्ट्स के लेवल पे काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बात करें तो 22 अप्रैल 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जिसका रन टाइम था 170 मिनट यानी कि यह फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है यानी कि 12 साल से बड़े सभी लोग इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर पाएंगे जहाँ पे थिएटर में जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था उसको लोगों ने पहले ही यूट्यूब पे ऑफिशियली देख लिया था जिसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है तो उस वजह से इस फिल्म का उतना कुछ मार्केट में क्रेज नहीं बना था वैसे तो फिल्म का काफी बढ़िया क्रेज था अच्छा खासा कलेक्शन भी कर जाती लेकिन फिल्म बार बार पोस्टोंड हुई थी जिस वजह से जिस तरह से मार्केटिंग फिल्म की की गई थी जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट सेट किए गए थे वो पूरी तरह से फैल गए थे और इसका सीधा असर आपको आई पे भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को करीबन अड़तालीस वोट मिले हुए आई पे जिसमें से छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे इस रिस्पॉन्स के चलते फिल्म के कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे स्क्रीन प्ले फिल्म की जो बोरियत कुछ स्टोरी में कुछ जगह पे ियत महसूस होते है, तो वो कुछ जगह है जहां पे फिल्म को क्रिटिसाइज किया हुआ था वहीं पे फिल्म की परफॉर्मेंसेस की काफी की काफ़ी तारीफ गई थी इस फिल्म में आपको शाहिद कपूर अर्जुन तलवार के रोल में दिखाई देंगे मृणाल ठाकुर को विद्या राव तलवार यानी कि अर्जुन वाइफ का रोल दिया हुआ है पंकज कपूर ने बाली का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के कोच है रोनित कामरा ने यंग केतन तलवार यानी कि किट्टू का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के बेटे गीतिका मेहराद्रो ने जस्लिन शेरगिल का रोल प्ले किया हुआ है रुद्र सिंह मजमूदार ने रुद्र जुनेज का रोल प्ले किया, किया हुआ है अंजुम बात्रा ने अमृत यानी कि अर्जुन की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह ने महेश यानी कि मुंबई के कोच का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा ने कृष्णा राव यानी कि विद्या तलवार के फादर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रीत कामनी ने केमियोपेर दिया हुआ है एडल्ट केतन तलवार यानी कि किट्टू के रोल में तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने ये किरदार प्ले किए हुए थे जहां पे फिल्म की कहानी काफी सिंपल थी शाहिद कपूर का जो किरदार है अर्जुन तलवार वो एक क्रिकेटर है और वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है जो रणजी मैच खेलता आ रहा है दुलीप ट्रॉफी जीती हुई है अचानक दस साल के बाद की कहानी दिखाई दी जाती है जहाँ पे उसकी उम्र छत्तीस साल हो चुकी है उसका एक बेटा है और साथ ही में उसकी एक वाइफ है जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी बाद में उसकी वाइफ बनी और उनका एक बेटा है जो क्रिकेट खेलता है पढ़ाई करता है जो अपने पापा से काफ़ी क्लोज है एक दिन अपने बर्थडे के मौके पर वो अर्जुन से इंडियन टी नेशनल टीम की जर्सी मांग लेता है जिसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो स्पोर्ट्स स्टोर में अवेलेबल है जिसकी प्राइस है पाँच सौ रुपये तो अब अर्जुन के पास वो पाँच सौ रुपये भी नहीं है कि जो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर पाए तो उसके पीछे काफी जो मशौकत तो करता है और उसके बाद में वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो फिर से क्रिकेट ज्वाइन करेगा जो छब्बीस साल की उम्र में उसने छोड़ा हुआ था तो अब वो फिर से छत्तीस साल की उम्र में क्रिकेट ज्वाइन करेगा उसके बाद में वो जिस तरह से क्रिकेट खेलता है उसके बाद में किस तरह से वो इंडियन टीम तक सेलेक्ट होगा या नहीं होगा रणजी में उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में 36 साल की उम्र यानी एक ऐसी एज मानी जाती है जहां पे करियर खत्म होने के कगार पे होता है तो अब उसी टाइम पे वो अपना करियर की सेकंड इनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे क्लाइमेक्स में एक खतरनाक धमाका देखने को मिलेगा फिल्म इमोशनली काफ़ी परफेक्ट है इमोशंस को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जहाँ पे फादर सन का जो इमोशन है साथ ही में हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्रिकेट के प्रति जो प्यार दिखाया हुआ है जिस तरह से इन सभी चीजों को छोटे छोटे पलों को जिस तरह से डायरेक्टर ने पेश किया हुआ था वो सभी चीजें बढ़िया वहां पे गौतम तिन्ना नूरी ने पूरे पॉइंट जीते हुए लेकिन इस फिल्म को दो घंटे पचास मिनट का बनाया हुआ है जहाँ पे एडिटर की एडिटिंग की हुई नवीन नुल्ली ने जिनको इस फिल्म को थोड़ा छोटा करना चाहिए था उन्होंने काफ़ी बड़ा रख दिया है जहाँ इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंदन ने किया हुआ है और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए सचेत परम्परा ने फिल्म के गाने बढ़िया है जहाँ पे सॉन्ग्स में तो टोटल तो तो चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे मेहरम मैया मेनू बलिया रे और जिंद मेरी है जिसकी टोटल लेंथ है चौदह मिनट तैंतालीस सेकंड और ये सभी वर्जन आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे वीडियो ऑडियो दोनों फॉर्मेट में गानों को रिलीज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको क्रिएट किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने जहाँ पे ओरिजिनल जो तेलुगु वर्जन है वहीं से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उठाया हुआ है सेम बैकग्राउंड स्कोर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है और अनिरुद्ध रविचंदन ने ही ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म की जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि जर्सी जिसको 2019 में तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और वो वहाँ की एक कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे उस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे साथ ही में नानी जो फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी उस फिल्म को गौतम तिन् ने ही लिखा और डायरेक्ट किया होता और प्रोडक्शन कंपनी सितारा एंटरटेनमेंट ही थी वहीं पे एडिटर और म्यूजिक डायरेक्टर भी सेम थे नवीन नुल्ली और अनिरुद्ध रविचंद्र लेकिन वो फिल्म एक तो मिनट की थी और ये फिल्म थी एक मिनट की ये फिल्म दस मिनट बड़ी थी जहाँ पे जो तो दस मिनट बड़ी रखी हुई फिल्म में वहीं पर कुछ ऐसे मोमेंट है जिसको चॉप आउट किया जा सकता था इसके अलावा उस फिल्म को उन्नीस अप्रैल दो हजार को जब रिलीज किया गया यूएस सर्टिफिकेट के साथ 25 करोड़ के बजट के साथ तो उस टाइम पे फिल्म ने 55 करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था और नानी के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट हाइस्ट फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे वहाँ पे नानी श्रद्धा श्रीनाथ रोनित कामराज जो छोटे बच्चे का रोल है वो भी दोनों फिल्म में सेम है सत्यराज विश्वनाथ दादमपोड़ी सानु शा संपतराज सभी ने अपनी परफॉर्मेंस को भी काफी बढ़िया तरीके से दी हुई थी जिस वजह से तेलुगु लैंग्वेज में फिल्म काफी चली थी और उसके बाद में फिल्म का हिंदी में ऑफिशियल रिमेक बनाया गया पे प्रोड्यूसर सेम थे कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट सेम था इसके अलावा कुछ कास्ट में चेंजेस किए गए जहां पे शाहिद कपूर को लेकर इस फिल्म की कहानी से की गई थी और फिल्म को ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया वो था दो के ही टाइम पे जहां पे फिल्म वो अर्जुन रेड्डी की रीमेक आई हुई थी कबीर सिंह हिट होने के बाद इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे पता चला था कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना शायद हो सकती है श्रद्धा कपूर को भी कंसीडर किया जा रहा था शायद कपूर के अपोजिट लेकिन जब ऑफिशियल 14 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल कास्ट और क्रियो अनाउंस किया तब पता चला कि मोनाल ठाकुर को फाइनल किया हुआ है शायद कपूर के अपोजिट जहाँ पे शायद के फादर वो एक कोच मूर्ति वाला किरदार प्ले करने वाले पंकज कपूर ने जो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल उससे पहले जो, जो सत्यराज ने प्ले किया हुआ था वही रोल पंकज कपूर ने इसमें बाली के नाम से प्ले किया हुआ था कोच का खीदा फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 14 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में की गई थी जनवरी 2020 तक फिल्म के कई परसेंट शूटिंग कंप्लीट कर दी गई थी पे, पेंडेमिक के दौरान फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था बाद में अक्टूबर महीने तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और देहरादून में दून में फिल्म की शूटिंग के कई सीक्वेंस शूट किए गए थे कुछ स्कूल में शूट किए गए थे कुछ ग्राउंड पे तो इस तरह से पूरी फिल्म की शूटिंग 14 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवा दी

तो इस फिल्म के यानी कि जर्सी फिल्म के जो तेलुगू वर्जन है उसके ओ राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जहाँ पर अमेजोन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को ऑफिशियली उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सॉरी जर्सी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है Sony सोनी लिव सोनी लिव वालों ने बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप जर्सी फिल्म तेलुगू लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो अदरवाइज़ इस फिल्म के दूसरे वर्जन हैं उसको हॉटस्टार पे भी अवेलेबल किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स ख़रीदे हुए हैं गोल माइन्स टेली ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग करवा दी है और उन्होंने इस फिल्म को यानी कि जर्सी के ओरिजिनल वर्ज़न को जर्सी के ही नाम से उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि गोल माइंस के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने जिन्होंने ओ राइट्स को अच्छे खासे प्राइस में खरीदा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को 20 मई 2022 के बाद उन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिया था तो नेटफ्लिक्स के ऊपर फिलहाल में ये फिल्म आपको जर्सी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नानी वाली जो तेलुगु वर्जन की जर्सी है वो आपको सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर विथ सब uh, बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है तेलुगु वाले का जो डब्ड वर्जन है वो आपको गोल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी में देखने को मिलेगा इसके अलावा हिंदी वर्जन यानी कि शाहिद कपूर वाले की जर्सी फिल्म है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप ये सभी वर्जन इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर जैसी फिल्म के टेलीविज़न के राइट्स है वो जी एंटरटेनमेंट ने खरीदे हुए तो आने वाले कुछ समय में जी सिनेमा चैनल के ऊपर भी आपको जैसी फिल्म हिंदी में देखने को मिल जाएगी तो गाइज इस तरह से जैसे आप सभी वर्जन में देख सकते हो बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जैसी फिल्म ने पहले दिन पे पौने चार करोड़ का ओपनिंग डे किया हुआ था कलेक्शन वहीं पे साढ़े पांच करोड़ दूसरे दिन पे किए हुए थे तीसरे दिन पे भी साढ़े पाँच करोड़ फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस तरह से चौदह करोड़ पिचहत्तर लाख का फिल्म ने वीकेंड किया हुआ था वहीं पे सात मई दो तक फिल्म ने बाईस करोड़ पैंसठ लाख का इंडिया में कलेक्शन

वो डेट नहीं थी उसको पहले अट्ठाईस अगस्त दो को सेट किया गया था बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से चेंज करते हुए पाँच नवंबर दो को सेट किया गया और बाद में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे उसकी वजह से इकतीस दिसंबर दो को फिल्म को रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था लेकिन फिर से ओमिक्रॉन वायरस के चलते फिल्म को पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में चौदह अप्रैल दो की डेट फाइनलाइज़ की गई लेकिन तब तमिल लैंग्वेज की बेस्ट और के जी कन्नडा वर्जन की फिल्म के चैप्टर टू दोनों फिल्म का बस काफ़ी बड़ा था दोनों मार्केट में काफ़ी बड़ी फिल्में थी तो उसके सामने फिल्म क्ले हो रही थी जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए एक वीक लेटर बाईस अप्रैल दो को रिलीज किया गया जहां पर फिल्म ने 28 से तीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन दिया हुआ है लाइफ टाइम का तो ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म उसी वजह से साबित हुई थी अदरवाइज फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यू हासिल किया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी लेकिन कुछ रीजन्स के चलते कुछ ऐसी सिचुएसन बनी जिसके चलते फिल्म थिएटर में नहीं चली अदरवाइज़ अगर रेगुलर दो के टाइम के आसपास ये फिल्म आती जिस तरह से कबीर सिंह आई थी तो ये फिल्म भी दो करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती थी अगर आपको अभी फिलहाल में फिल्म शाहिद कपूर वाली जर्सी देखनी है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो वहां पे एंजॉय कर पाओगे और तेलगु का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको यूट्यूब पे गोलमाइस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप तेलुगु हिंदी डब्ड और हिंदी वर्जन की जर्सी फिल्म देख सकते हो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से जर्सी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जहां पे स्पोर्ट्स के साथ जोड़कर इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है और ये फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक फिल्म थी जिसका नाम भी जर्सी था उसका ऑफिशियल रीमेक है फिल्म के डायरेक्टर है गौतम तिन्ना नूरी जहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले गौतम तिन्ना नूरी के ही है वहीं पे डायलॉग्स लिखे हुए सिद्धार्थ गरिमा ने प्रोड्यूसर्स की बात करें तो दिल राजू अल्लू अरविंद सूर्यदेव नारायण नागा वामी और अमन गिल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे अल्लू एंटरटेनमेंट दिलराजू प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट और ब्रेड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है बालाजी मोशन पिक्चर्स पेन मरूदकर इंटरटेनमेंट और यशराज फिल्म जहाँ पे यशराज फिल्म ने इस फिल्म को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे पेन मरूदकर ने और बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इंडिया में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर पंकज पुरो रणित कामरा आपको लीड रोल में देखने को मिलने वाले है। वहीं पे गीतिका मेहरानदुर रुदांत श्री मजमूदार अंजुम बात्रा ऋतुराज सिंह विनय वर्मा और प्रीत कामनी आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ आर्टिस्ट हैं जिसके बदौलत फिल्म की कहानी को एक बढ़िया सा मोड़ दिया हुआ है इमोशनली और स्पोर्ट्स के लेवल पे काफी बढ़िया तरीके से फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बात करें तो 22 अप्रैल 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जिसका रन टाइम था 170 मिनट यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है यानी कि 12 साल से बड़े सभी लोग इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर पाएंगे जहाँ पे थिएटर में जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था उसको लोगों ने पहले ही यूट्यूब पे ऑफिशियली देख लिया था जिसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है तो उस वजह से इस फिल्म का उतना कुछ मार्केट में क्रेज नहीं बना था वैसे तो फिल्म का काफी बढ़िया क्रेज था अच्छा खासा कलेक्शन भी कर जाती लेकिन फिल्म बार बार पोस्टपोन हुई थी जिस वजह से जिस तरह से मार्केटिंग फिल्म की की गई थी जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट सेट किए गए थे वो पूरी तरह से फेल गए थे और इसका सीधा असर आपको आईएमडीबी पे भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को करीबन 4800 वोट मिले हुए आई पे जिसमें से छ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे इस रिस्पॉन्स के चलते फिल्म के कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे स्क्रीन प्ले फिल्म की जो बोरियत कुछ स्टोरी में कुछ जगह पे महसूस होते तो वो कुछ जगह है जहां पे फिल्म को क्रिटिसाइज किया हुआ था वहीं पे फिल्म की परफॉर्मेंसेस की काफ़ी तारीफ की गई थी इस फिल्म में आपको शाहिद कपूर अर्जुन तलवार के रोल में दिखाई देंगे ठाकुर को विद्या राव तलवार यानी कि अर्जुन की वाइफ का रोल दिया हुआ है पंकज कपूर ने बाली का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के कोच है रोनित कामरा ने यंग केतन तलवार यानी कि किट्टू का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के बेटे गीतिका मेहरांद्रो ने जस्लिन शेरगिल का रोल प्ले किया हुआ है रुद्र सिंह मजमूदार ने रुद्रजु ने का रोल प्ले किया हुआ है अंजुम बात्रा ने अमृत यानी कि अर्जुन की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह ने महेश करमदार यानी कि मुंबई के कोच का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा ने कृष्णा राव यानी कि विद्या तलवार के फादर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रीत कामनी ने केम्योपेरियंस दिया हुआ है एडल्ट केतन तलवार यानी कि किट्टू के रोल में तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने ये किरदार प्ले किए हुए थे जहाँ पे फिल्म की कहानी काफी सिंपल थी शाहिद कपूर का जो किरदार है अर्जुन तलवार वो एक क्रिकेटर है और वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है जो रणजी मैच खेलता आ रहा है दुलीप ट्रॉफी जीती हुई है अचानक दस साल के बाद की कहानी दिखाई दी जाती है जहाँ पे उसकी उम्र छत्तीस साल हो चुकी है उसका एक बेटा है और साथ ही में उसकी एक वाइफ है जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी बाद में उसकी वाइफ बनी और उनका एक बेटा है जो क्रिकेट खेलता है पढ़ाई करता है जो अपने पापा से काफ़ी क्लोज है एक दिन अपने बर्थडे के मौके पर वो अर्जुन से इंडियन टी नेशनल टीम की जर्सी मांग लेता है जिसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो स्पोर्ट्स स्टोर में अवेलेबल है जिसकी प्राइस है पाँच सौ रुपये तो अब अर्जुन के पास वो पाँच सौ रुपये भी नहीं है कि जो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर पाए तो उसके पीछे काफ़ी जो मशक्कत तो करता है और उसके बाद में वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो फिर से क्रिकेट ज्वाइन करेगा जो छब्बीस साल की उम्र में उसने छोड़ा हुआ था तो अब वो फिर से छत्तीस साल की उम्र में क्रिकेट ज्वाइन करेगा उसके बाद में वो जिस तरह से क्रिकेट खेलता है उसके बाद में किस तरह से वो इंडियन टीम तक सेलेक्क होगा या नहीं होगा रणजी में उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में छत्तीस साल की उम्र यानी एक ऐसी एज मानी जाती है जहाँ पे करियर ख़त्म होने के कगार पे होता है तो अब उसी टाइम पे वो अपना करियर की सेकंड इनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे क्लाइमेक्स में एक खतरनाक धमाका देखने को मिलेगा फिल्म इमोशनली काफ़ी परफेक्ट है इमोशंस को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जहाँ पे फादर सन का जो इमोशन है साथ ही में हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्रिकेट के प्रति जो प्यार दिखाया हुआ है जिस तरह से इन सभी चीज़ों को छोटे छोटे पलों को जिस तरह से डायरेक्टर ने पेश किया हुआ था वो सभी चीजें बढ़िया है वहां पे गौतम तिन्ना नूरी ने पूरे पॉइंट जीते हुए लेकिन इस फिल्म को दो घंटे पचास मिनट का बनाया हुआ है जहां पे एडिटर की एडिटिंग की हुई नवीन नुल्ली ने जिनको इस फिल्म को थोड़ा छोटा करना चाहिए था उन्होंने काफी बड़ा रख दिया है जहां इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंदन ने किया हुआ है और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए सचेत परंपरा ने फिल्म के गाने बढ़िया है जहाँ पे सॉन्ग्स में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे मेहरम मैया मेनू बलियारे और जिंद मेरी है जिसकी टोटल लेंथ है चौदह मिनट तैंतालीस सेकंड और ये सभी वर्जन आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे वीडियो और दोनों फॉर्मेट में गानों को रिलीज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको क्रिएट किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने जहाँ पे ओरिजिनल जो तेलुगु वर्जन है वहीं से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उठाया हुआ है सेम बैकग्राउंड स्कोर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है और अनिरुद्ध रविचंदन ने ही ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म की जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि जर्सी जिसको 2019 में तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और वो वहाँ की एक कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे उस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे साथ ही में नानी जो फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी उस फिल्म को गौतम तिन्नूर ने ही लिखा और डिलेक्ट किया होता और प्रोडक्शन कंपनी सितारा एंटरटेनमेंट ही थी वहीं पर एडिटर और म्यूजिक डायरेक्टर भी सेम थे नवीन नुल्ली और अनिरुद्ध रविचंद्र लेकिन वो फिल्म एक मिनट तो की थी और ये फिल्म थी एक मिनट की ये फिल्म दस मिनट बड़ी थी जहाँ पे जो तो दस मिनट बड़ी रखी हुई है फिल्म में वहीं पर कुछ ऐसे मोमेंट है जिसको चॉप आउट किया जा सकता था इसके अलावा उस फिल्म को उन्नीस अप्रैल दो हजार को जब रिलीज किया गया यूएस सर्टिफिकेट के साथ 25 करोड़ के बजट के साथ तो उस टाइम पे फिल्म ने 55 करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था और नानी के करियर की वन ऑफ़ द हाईएस्ट दी फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे वहाँ पे नानी श्रद्धा श्रीनाथ रोनित कामराज जो छोटे बच्चे का रोल है वो भी दोनों फिल्म में सेम है सत्यराज विश्वनाथ दादमपोड़ी सानू सा राज सभी ने अपनी परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया तरीके से दी हुई थी जिस वजह से तेलुगु लैंग्वेज में फिल्म काफी चली थी और उसके बाद में फिल्म का हिंदी में ऑफिशियल रिमेक बनाया गया पे प्रोड्यूसर सेम थे कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट सेम था इसके अलावा कुछ कास्ट में चेंजेस किए गए जहाँ पे शायद कपूर को लेकर इस फिल्म की कहानी से एड की गई थी और फिल्म को ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया वो था दो के ही टाइम पे जहाँ पे फिल्म वो अर्जुन रेड्डी की रीमेक आई हुई थी कबीर सिंह हिट होने के बाद इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी जहां पे पता चला था कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना शायद हो सकती है श्रद्धा कपूर को भी कंसीडर किया जा रहा था शायद कपूर के अपोजिट लेकिन जब ऑफिशियल 14 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल कास्ट और क्रियो अनाउंस किया तब पता चला कि मृणाल ठाकुर को फाइनल किया हुआ है शायद कपूर के अपोजिट जहाँ पे शायद के फादर वो एक कोच मूर्ति वाला किरदार प्ले करने वाले पंकज कपूर ने जो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल उससे पहले जो, जो सत्यराज ने प्ले किया था वही रोल पंकज कपूर ने इसमें बाली के नाम से प्ले किया हुआ था कोच का किदा फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 14 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में की गई थी जनवरी 2020 तक फिल्म के कई परसेंट शूटिंग कंप्लीट कर दी गई थी पेड पेंडेमिक के दौरान फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था बाद में अक्टूबर महीने तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और देहरादून में फिल्म की शूटिंग के कई सीक्वेंस शूट किए गए थे कुछ स्कूल में शूट किए गए थे कुछ ग्राउंड पे तो इस तरह से पूरी फिल्म की शूटिंग 14 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवा दी गई थी ओवरऑल देखें तो फिल्म की रीमेक अच्छी तरह से की गई है थोड़ी छोटी कर देते रीमेक को तो बढ़िया रहता अदरवाइज फिल्म की रीमेक काफ़ी बढ़िया फेथफुल तरीके से की गई है अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है तो ये रीमेक वर्जन देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है अब हम बात करें कि ये सभी वर्जंस कहाँ पे अवेलेबल है कौन से ओटीटी प्लेटफार्म के ऊपर तो पहले मैं आपको तेलुगु वर्जन के ऊपर डिटेलिंग देता हूँ उसके बाद हिंदी वर्जन के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के राइट्स खरीदे हुए सॉरी तो इस फिल्म के यानी कि जर्सी फिल्म के जो तेलुगु वर्जन है उसके ओटीटी राइट्स खरीदे हुए Amazon Prime Video ने जहाँ पे Amazon Prime Video ने इस फिल्म को ऑफिशियली उनको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सॉरी जर्सी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सोनी लिव सोनी लिव वालों ने बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप जर्सी फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो अदरवाइज इस फिल्म के दूसरे वर्जन है उसको हॉट स्टार भी अवेलेबल किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं। गोल माइन फिल्म्स फिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग करवा दिए और उन्होंने इस फिल्म को यानी कि जर्सी के ओरिजिनल वर्जन को जर्सी के ही नाम से उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि गोल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप एंजॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने जिन्होंने ओटीटी राइट्स को अच्छे खासे प्राइस में खरीदा हुआ था जहां पे इस फिल्म को 20 मई 2022 के बाद के बाद उन्होंने ऑफिशियली अपने ऊपर अवेलेबल करवा दिया था तो नेटफ्लिक्स के ऊपर फिलहाल में ये फिल्म आपको जर्सी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नानी वाली जो तेलुगु वजन की जर्सी है वो आपको सोनी एप्लीकेशन के ऊपर विथ सब बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है तेलुगु वाले का जो डब्ड वर्ज़न है वो आपको गोल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी में देखने को मिलेगा इसके अलावा हिंदी वर्जन यानी कि शाहिद कपूर वाले की जर्सी फिल्म है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप ये सभी वर्ज़न इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर जर्सी फिल्म के टेलीविज़न के राइट्स है वो जी एंटरटेनमेंट ने खरीदे हुए तो आने वाले कुछ समय में जी सिनेमा चैनल के ऊपर भी आपको जैसी फिल्म हिंदी में देखने को मिल जाएगी तो गाइज इस तरह से जैसे आप सभी वर्जन में देख सकते हो बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जैसी फिल्म ने पहले दिन पे पौने चार करोड़ का ओपनिंग डे किया हुआ था कलेक्शन वहीं पे साढ़े पाँच करोड़ दूसरे दिन पे किए हुए थे तीसरे दिन पे भी साढ़े पाँच करोड़ फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस तरह से चौदह करोड़ पिचहत्तर लाख का फिल्म ने वीकेंड किया हुआ था वहीं पर सात मई दो तक फिल्म ने बाईस करोड़ पैंसठ लाख का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था वहीं पर चार करोड़ सैंतालीस लाख का ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन फिल्म का सत्ताईस करोड़ बारह लाख

उसको पहले 28 अगस्त 2020 को सेट किया गया था बाद में कोविड 19 की वजह से चेंज करते हुए 5 नवंबर 2021 को सेट किया गया और बाद में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे उसकी वजह से 31 दिसंबर 2021 को फिल्म को रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया गया था लेकिन फिर से ओमिक्रॉन वायरस के चलते फिल्म को पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में 14 अप्रैल 2022 की डेट फाइनलाइज़ की गई लेकिन तब तमिल लैंग्वेज की बेस्ट और के जी कन्नड़ा वर्जन की फिल्म के चैप्टर टू दोनों फिल्म का बस काफ़ी बड़ा था दोनों मार्केट में काफ़ी बड़ी फिल्में थी तो उसके सामने फिल्म क्लेश हो रही थी जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए एक वीक लेटर बाईस अप्रैल दो को रिलीज़ किया गया जहाँ पे फिल्म ने 28 से 30 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन दिया हुआ है लाइफ टाइम का तो ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म उसी वजह से साबित हुई थी अदरवाइज़ फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यू हासिल किया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी लेकिन कुछ रीजंस के चलते कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिसके चलते फिल्म थिएटर में नहीं चली अदरवाइज अगर रेगुलर दो के टाइम के आसपास ये फिल्म आती जिस तरह से कबीर सिंह आई थी तो ये फिल्म भी दो करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती थी अगर आपको अभी ये फिलहाल में फिल्म शाहिद कपूर वाली जर्सी देखनी है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल वि सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो वहाँ पे इन्जॉय कर पाओगे और तेलुगू का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको यूट्यूब पे गोलमाइस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप तेलुगु हिंदी डब्ड और हिंदी वर्जन की जर्सी फिल्म देख सकते हो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से जर्सी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जहाँ पे स्पोर्ट के साथ जोड़कर इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है और ये फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक फिल्म थी जिसका नाम भी जर्सी था उसका ऑफिशियल रीमेक है फिल्म के डायरेक्टर है गौतम तिन्ना नूरी जहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले गौतम तिन्ना नूरी ही है वहीं पे डायलॉग्स लिखे हुए सिद्धार्थ गरिमा ने प्रोड्यूसर्स की बात करें तो दिल अल्लू अरविंद सूर्य नारायण नागा वामी और अमन गिल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे अल्लू एंटरटेनमेंट दिलराजू प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट और ब्रेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है बालाजी मोशन पिक्चर्स पेन मरूदकर इंटरटेनमेंट और यशराज फिल्म जहाँ पर यशराज फिल्म ने इस फिल्म को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे पेन मरूदकर ने और बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इंडिया में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर पंकज कपूर और कामरा आपको लीड रोल में देखने को मिलने वाले है वहीं पे गीतिका मेहरानदू रुदांत श्री मजमूदार अंजुम बात्रा ऋतुराज सिंह विनय वर्मा और प्रीत कामनी आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिसके बदौलत फिल्म की कहानी को एक बढ़िया सा मोड़ दिया हुआ है इमोशनली और स्पोर्ट्स के लेवल पे काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बात करें तो 22 अप्रैल 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसका रन टाइम था 170 मिनट यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे पचास मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है यानी कि 12 साल से बड़े सभी लोग इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर पाएंगे जहाँ पे थिएटर में जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था उसको लोगों ने पहले ही यूट्यूब पे ऑफिशियली देख लिया था जिसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है तो उस वजह से इस फिल्म का उतना कुछ मार्केट में क्रेज़ नहीं बना था वैसे तो फिल्म का काफ़ी बढ़िया क्रेज था अच्छा खासा कलेक्शन भी कर जाती लेकिन फिल्म बार बार पोस्टोंड हुई थी जिस वजह से जिस तरह से मार्केटिंग फिल्म की की गई थी जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट सेट किए गए थे वो पूरी तरह से फैल गए थे और इसका सीधा असर आपको आई पे भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को करीबन 4800 वोट मिले हुए आई पे जिसमें से 6.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था जहां पे इस रिस्पांस के चलते फिल्म के कुछ ऐसी चीजें जहां पे स्क्रीन प्ले फिल्म की जो बोरियत कुछ स्टोरी में कुछ जगह पे बो ियत महसूस होते तो वो कुछ जगह है जहां पे फिल्म को क्रिटिसाइज किया हुआ था वहीं पे फिल्म की परफॉर्मेंसेस की काफ़ी तारीफ की गई थी इस फिल्म में आपको शाहिद कपूर अर्जुन तलवार के रोल में दिखाई देंगे ठाकुर को विद्या राव तलवार यानी कि अर्जुन की वाइफ का रोल दिया हुआ है पंकज कपूर ने बाली का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के कोच है रोनित कामरा ने यंग केतन तलवार यानी कि किट्टू का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के बेटे गीतिका मेहराद्रो ने जसलिन शेरगिल का रोल प्ले किया हुआ है रुद्र सिंह मजमूदार ने रुद्र जुनेज

और वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है जो रणजी मैच खेलता आ रहा है दुलीप ट्रॉफी जीती हुई है अचानक दस साल के बाद की कहानी दिखाई दी जाती है जहाँ पे उसकी उम्र छत्तीस साल हो चुकी है उसका एक बेटा है और साथ ही में उसकी एक वाइफ है जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी बाद में उसकी वाइफ बनी और उनका एक बेटा है जो क्रिकेट खेलता है पढ़ाई करता है जो अपने पापा से काफ़ी क्लोज है एक दिन अपने बर्थडे के मौके पर वो अर्जुन से इंडियन टी नेशनल टीम की जर्सी मांग लेता है जिसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो स्पोर्ट्स स्टोर में अवेलेबल है जिसकी प्राइस है पाँच सौ रुपये तो अब अर्जुन के पास वो पाँच सौ रुपये भी नहीं है कि जो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर पाए तो उसके पीछे काफ़ी जो मशक्कत तो करता है और उसके बाद में वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो फिर से क्रिकेट ज्वाइन करेगा जो छब्बीस साल की उम्र में उसने छोड़ा हुआ था तो अब वो फिर से छत्तीस साल की उम्र में क्रिकेट ज्वाइन करेगा उसके बाद में वो जिस तरह से क्रिकेट खेलता है उसके बाद में किस तरह से वो इंडियन टीम तक सेलेक्ट होगा या नहीं होगा रणजी में उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में 36 साल की उम्र यानी एक ऐसी एज मानी जाती है जहां पे करियर खत्म होने के कगार पे होता है तो अब उसी टाइम पे वो अपना करियर की सेकंड इनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे क्लाइमैक्स में एक खतरनाक धमाका देखने को मिलेगा फिल्म इमोशनली काफ़ी परफेक्ट है इमोशंस को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जहाँ पे फादर सन का जो इमोशन है साथ ही में हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्रिकेट के प्रति जो प्यार

जहाँ पे सॉन्ग्स में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे मेहरम मैया मेनू बलिया रे और जिंद मेरी है, जिसकी टोटल लेंथ है चौदह मिनट तैंतालीस सेकंड और ये सभी वर्जन आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में गानों को रिलीज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको क्रिएट किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने जहाँ पे ओरिजिनल जो तेलुगु वर्जन है वहीं से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उठाया हुआ है सेम बैकग्राउंड स्कोर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है और अनिरुद्ध रविचंदन ने ही ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म की जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि जर्सी जिसको दो में तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और वो वहाँ की एक कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे उस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे साथ ही में नानी जो फिल्म के लीड एक्ट्रेस थे उन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी उस फिल्म को गौतम तिन्ान ने ही लिखा और डायरेक्ट किया होता और प्रोडक्शन कंपनी सितारा एंटरटेनमेंट ही थी वहीं पे एडिटर और म्यूजिक डायरेक्टर भी सेम थे नवीन नुल्ली और अनिरुद्ध रविचंद्र लेकिन वो फिल्म एक मिनट तो की थी और ये फिल्म थी एक मिनट की ये फिल्म दस मिनट बड़ी थी जहाँ पे जो तो दस मिनट बड़ी रखी हुई फिल्म में वहीं पर कुछ ऐसे मोमेंट है जिसको चॉप आउट किया जा सकता था इसके अलावा उस फिल्म को उन्नीस अप्रैल दो हजार को जब रिलीज किया गया यूएस सर्टिफिकेट के साथ 25 करोड़ के बजट के साथ तो उस टाइम पे फिल्म ने 55 करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और नानी के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट हाइएस्ट फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे वहाँ पे नानी श्रीनाथ रोनित कामराज जो छोटे बच्चे का रोल है वो भी दोनों फिल्म में सेम है सत्यराज विश्वनाथ दादमपोड़ी सानु संपतराज सभी ने अपनी परफॉर्मेंस खूब काफी बढ़िया तरीके से दी हुई थी जिस वजह से तेलुगु लैंग्वेज में फिल्म काफी चली थी और उसके बाद में फिल्म का हिंदी में ऑफिशियल रिमेक बनाया गया पे प्रोड्यूसर सेम थे कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट सेम था इसके अलावा कुछ कास्ट में चेंजेस किए गए जहाँ पे शाहिद कपूर को लेकर इस फिल्म की कहानी सेट की गई थी और फिल्म को ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया वो था दो के ही टाइम पे जहाँ पे फिल्म वो अर्जुन रेड्डी की रीमेक आई हुई थी कबीर सिंह हिट होने के बाद इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे पता चला था कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना शायद हो सकती है श्रद्धा कपूर को भी कंसीडर किया जा रहा था शायद कपूर के अपोजिट लेकिन जब ऑफिशियल 14 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल कास्ट और क्रियो अनाउंस किया तब पता चला कि मोनाल ठाकुर को फाइनल किया हुआ है शायद कपूर के अपोजिट जहाँ पे शायद के फादर वो एक कोच मूर्ति वाला किरदार प्ले करने वाले पंकज कपूर ने जो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल उससे पहले जो, जो सत्यराज ने प्ले किया हुआ था वही रोल पंकज कपूर ने इसमें बाली के नाम से प्ले किया हुआ था कोच का किदा फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 14 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में की गई थी जनवरी 2020 तक फिल्म की कई परसेंट शूटिंग कंप्लीट कर दी गई थी पेंड पेंडेमिक के दौरान फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था बाद में अक्टूबर महीने तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और देहरादून में दुन में फिल्म की शूटिंग के कई सीक्वेंस शूट किए गए थे कुछ स्कूल में शूट किए गए थे कुछ ग्राउंड पे तो इस तरह से पूरी फिल्म की शूटिंग चौदह दिसंबर दो तक कंप्लीट करवा दी गई थी ओवरऑल देखे तो फिल्म की रीमेक अच्छी तरह से की गई है थोड़ी छोटी कर देते रीमेक को तो बढ़िया रहता अदरवाइज फिल्म की रीमेक काफ़ी बढ़िया फेथफुल तरीके से की गई है अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है तो ये रीमेक वर्जन देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है अब हम बात करें कि ये सभी वर्जंस कहाँ पे अवेलेबल है कौन से ओटीटी प्लेटफार्म के ऊपर तो पहले मैं आपको तेलुगु वर्जन के ऊपर डिटेलिंग देता हूँ उसके बाद हिंदी वर्जन के ऊपर तो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के राइट्स खरीदे हुए सॉरी तो इस फिल्म के यानी कि जर्सी फिल्म के जो तेलुगु वर्जन है उसके ओटीटी राइट्स खरीदे हुए Amazon Prime Video ने जहाँ पे Amazon Prime Video ने इस फिल्म को ऑफिशियली उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सॉरी जर्सी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सोनी लिव सोनी लिव वालों ने बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप जर्सी फिल्म तेलगू लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो अदरवाइज इस फिल्म के दूसरे वर्जन है उसको हॉट स्टार पर भी अवेलेबल किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं गोल माइन्स टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म, फिल्म की डबिंग करवा दी है और उन्होंने इस फिल्म को यानी कि जर्सी के ओरिजिनल वर्जन को जर्सी के ही नाम से उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि गोल माइंस के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने जिन्होंने ओ राइट्स को अच्छे खासे प्राइस में खरीदा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को 20 मई 2022 के बाद उन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिया था तो नेटफ्लिक्स के ऊपर फिलहाल में ये फिल्म आपको जैसी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नानी वाली जो तेलुगु वर्ज़न की जर्सी है वो आपको सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर विथ सब बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है तेलुगु वाले का जो डब्ड वर्जन है वो आपको गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी में देखने को मिलेगा इसके अलावा हिंदी वर्जन यानी कि शाहिद कपूर वाले की जर्सी फिल्म है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप ये सभी वर्जन इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर जर्सी फिल्म के टेलीविज़न के राइट्स है वो जी एंटरटेनमेंट ने खरीदे हुए तो आने वाले कुछ समय में जी सिनेमा चैनल के ऊपर भी आपको जैसी फिल्म हिंदी में देखने को मिल जाएगी तो गाइज इस तरह से जैसे आप सभी वर्जन में देख सकते हो बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जैसी फिल्म ने पहले दिन पे पौने चार करोड़ का ओपनिंग डे किया हुआ था कलेक्शन वहीं पे साढ़े पांच करोड़ दूसरे दिन पे किए हुए थे तीसरे दिन पे भी साढ़े पांच करोड़ फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस तरह से चौदह करोड़ पिचहत्तर लाख का फिल्म ने वीकेंड किया हुआ था वहीं पे सात मई दो तक फिल्म ने बाईस करोड़ पैंसठ लाख का इंडिया में कलेक्शन

वो डेट नहीं थी उसको पहले 28 अगस्त 2020 को सेट किया गया था बाद में कोविड 19 की वजह से चेंज करते हुए 5 नवंबर 2021 को सेट किया गया और बाद में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे उसकी वजह से 31 दिसंबर 2021 को फिल्म को रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था लेकिन फिर से ओमिक्रॉन वायरस के चलते फिल्म को पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में चौदह अप्रैल दो की डेट फाइनलाइज की गई लेकिन तब तमिल लैंग्वेज की बेस्ट और के जी कन्नड़ा वर्जन की फिल्म के चैप्टर टू दोनों फिल्म का बस काफ़ी बड़ा था दोनों मार्केट में काफ़ी बड़ी फिल्में थी तो उसके सामने फिल्म क्लेय हो रही थी जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए एक वीक लेटर 22 अप्रैल 2022 को रिलीज किया गया जहां पे फिल्म ने 28 से 30 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन दिया हुआ है लाइफ टाइम का तो ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म उसी वजह से साबित हुई थी अदरवाइज़ फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यू हासिल किया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी लेकिन कुछ रीजन्स के, के चलते कुछ ऐसी सिचुएसन बनी जिसके चलते फिल्म थिएटर में नहीं चली अदरवाइज़ अगर रेगुलर दो के टाइम के आसपास ये फिल्म आती जिस तरह से कबीर सिंह आई थी तो ये फिल्म भी दो करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती थी अगर आपको अभी फिलहाल में फिल्म शाहिद कपूर वाली जर्सी देखनी है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो वहाँ पे एंजॉय कर पाओगे और तेलुगु का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको यूट्यूब पे गोलमाइस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप तेलुगु हिंदी डब्ड और हिंदी वर्जन की जर्सी फिल्म देख सकते हो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से जर्सी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जहां पे स्पोर्ट के साथ जोड़कर इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है और ये फिल्म 2019 की तेलुगु लैंग्वेज की एक फिल्म थी जिसका नाम भी जर्सी था उसका ऑफिशियल रीमेक है फिल्म के डायरेक्टर है गौतम तिन्ना नूरी जहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले गौतम तिन्ना नूरी के ही है वहीं पे डायलॉग्स लिखे हुए सिद्धार्थ गरिमा ने प्रोड्यूसर्स की बात करें तो दिल अल्लू अरविंद सूर्यदेव नारायण नागा वामसी और अमन गिल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे अल्लू एंटरटेनमेंट दिल राजू प्रोडक्शन सितारा एंटरटेनमेंट और ब्रेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है बालाजी मोशन पिक्चर्स पेन मरूदकर इंटरटेनमेंट और यशराज फिल्म जहाँ पर यशराज फिल्म ने इस फिल्म को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे पेन मरूदकर ने और बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इंडिया में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर पंकज पुरो रणित कामरा आपको लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं वहीं पे गीतिका मेहरंदूर रुदांत श्री मजमूदार अंजुम बात्रा ऋतुराज सिंह विनय वर्मा और प्रीत कामनी आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ आर्टिस्ट हैं जिसके बदौलत फिल्म की कहानी को एक बढ़िया सा मोड़ दिया हुआ है इमोशनली और स्पोर्ट्स के लेवल पे काफी बढ़िया तरीके से फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बात करें तो 22 अप्रैल 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसका रन टाइम था 170 मिनट यानी कि यह फिल्म आपको दो घंटे 50 मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है यानी कि 12 साल से बड़े सभी लोग इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर पाएंगे जहां पे थिएटर में जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था उसको लोगों ने पहले ही यूट्यूब पे ऑफिशियली देख लिया था जिसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है तो तो उस वजह से इस फिल्म का उतना कुछ मार्केट में क्रेज नहीं बना था वैसे तो फिल्म का काफी बढ़िया क्रेज था अच्छा खासा कलेक्शन भी कर जाती लेकिन फिल्म बार बार पोस्टपोन हुई थी जिस वजह से जिस तरह से मार्केटिंग फिल्म की की गई थी जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट सेट किए गए थे वो पूरी तरह से फेल गए थे और इसका सीधा असर आपको आई पे भी देखने को मिलेगा इस फिल्म को करीबन अड़तालीस वोट मिले हुए आई पे जिसमें से छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे इस रिस्पॉन्स के चलते फिल्म के कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे स्क्रीन प्ले फिल्म की जो बोरियत कुछ स्टोरी में कुछ जगह पर बोरियत महसूस होते तो वो कुछ जगह है जहां पे फिल्म को क्रिटिसाइज किया हुआ था वहीं पे फिल्म की, की, की गई थी इस फिल्म में आपको दिखाई देंगे को विद्या राव यानि के अर्जुन की वाइफ का रोल दिया हुआ है ने बाली का रोल प्ले किया है जो अर्जुन के कोच है रोनित कामरा ने केतन तलवार यानी कि रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के बेटे गीतिका मेहरांद्रो ने जस्लिन शेरगिल का रोल प्ले किया है रुद्र सिंह मजमूदार ने रुद्रजु का रोल प्ले किया हुआ है अंजुम बात्रा ने अमृत यानी कि अर्जुन की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह ने महेश करमदार यानी कि मुंबई के कोच का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा ने कृष्णा राव यानी कि विद्या तलवार के फादर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रीत कामनी ने केमियो केम्योपेर दिया हुआ है एडल्ट केतन तलवार यानी कि किट्टू के रोल में तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने ये किरदार प्ले किए हुए थे जहाँ पे फिल्म की कहानी काफी सिंपल थी शाहिद कपूर का जो किरदार है अर्जुन तलवार वो एक क्रिकेटर है और वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है जो रणजी मैच खेलता आ रहा है दुलीप ट्रॉफी जीती हुई है अचानक दस साल के बाद की कहानी दिखाई दी जाती है जहाँ पे उसकी उम्र छत्तीस साल हो चुकी है उसका एक बेटा है और साथ ही में उसकी एक वाइफ है जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी बाद में उसकी वाइफ बनी और उनका एक बेटा है जो क्रिकेट खेलता है पढ़ाई करता है जो अपने पापा से काफ़ी क्लोज है एक दिन अपने बर्थडे के मौके पर वो अर्जुन से इंडियन टी नेशनल टीम की जर्सी मांग लेता है जिसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो स्पोर्ट्स स्टोर में अवेलेबल है जिसकी प्राइस है पाँच सौ रुपये तो अब अर्जुन के पास वो पाँच सौ रुपये भी नहीं है कि जो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर पाए तो उसके पीछे काफ़ी जो मशक्कत तो करता है और उसके बाद में वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो फिर से क्रिकेट ज्वाइन करेगा जो छब्बीस साल की उम्र में उसने छोड़ा हुआ था तो अब वो फिर से छत्तीस साल की उम्र में क्रिकेट ज्वाइन करेगा उसके बाद में वो जिस तरह से क्रिकेट खेलता है उसके बाद में किस तरह से वो इंडियन टीम तकसले होगा या नहीं होगा रणजी में उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में छत्तीस साल की उम्र यानी एक ऐसी एज मानी जाती है जहाँ पे करियर ख़त्म होने के कगार पे होता है तो अब उसी टाइम पे वो अपना करियर की सेकंड इनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे क्लाइमेक्स में एक खतरनाक धमाका देखने को मिलेगा फिल्म इमोशनली काफ़ी परफेक्ट है इमोशंस को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जहाँ पे फादर सन का जो इमोशन है साथ ही में हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्रिकेट के प्रति जो प्यार दिखाया हुआ है जिस तरह से इन सभी चीज़ों को छोटे छोटे पलों को जिस तरह से डायरेक्टर ने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ें बढ़िया है वहाँ पे गौतम तिन्ना नूरी ने पूरे पॉइंट जीते हुए हैं लेकिन इस फिल्म को दो घंटे पचास मिनट का बनाया हुआ है जहाँ पे एडिटर की एडिटिंग की हुई नवीन नुल्ली ने जिनको इस फिल्म को थोड़ा छोटा करना चाहिए था उन्होंने काफ़ी बड़ा रख दिया है जहाँ इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंदन ने किया हुआ है और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए सचेत परम्परा ने फिल्म के गाने बढ़िया है जहाँ पे सॉन्ग्स में टोटल चार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे मेहरम मैया मेनू बलियारे और जिंद मेरी है जिसकी टोटल लेंथ है चौदह मिनट तेतालीस सेकंड और ये सभी वर्जन आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे जहां पे वीडियो ऑडियो दोनों फॉर्मेट में गानों को रिलीज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको क्रिएट किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने जहाँ पे ओरिजिनल जो तेलुगु वर्जन है वहीं से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उठाया हुआ है सेम बैकग्राउंड स्कोर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है और अनिरुद्ध रविचंदन ने ही ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म की जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि जर्सी जिसको 2019 में तेलुगू लैंग्वेज में बनाया गया था और वो वहाँ की एक कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे उस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे साथ ही में नानी जो फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी उस फिल्म को गौतम तिन्नूर ने ही लिखा और डेरेक्ट किया होता और प्रोडक्शन कंपनी सितारा एंटरटेनमेंट ही थी वहीं पर एडिटर और म्यूजिक डायरेक्टर भी सेम थे नवीन नुल्ली और अनिरुद्ध रविचंद्र लेकिन वो फिल्म एक मिनट की थी और ये फिल्म थी एक मिनट की ये फिल्म दस मिनट बड़ी थी जहाँ पे जो दस मिनट बड़ी रखी हुई है फिल्म में वहीं पर कुछ ऐसे मोमेंट है जिसको चॉप आउट किया जा सकता था इसके अलावा उस फिल्म को उन्नीस अप्रैल 2019 को जब रिलीज किया गया यूएस सर्टिफिकेट के साथ 25 करोड़ के बजट के साथ श्रद्धा श्रीनाथ रोनित कामराज जो छोटे बच्चे का रोल है वो भी दोनों फिल्म में सेम है सत्यराज राज विश्वनाथ दादमपोड़ी सा शासपतराज सभी ने अपनी परफॉर्मेंस बखूबी काफी बढ़िया तरीके से दी हुई थी जिस वजह से तेलुगु लैंग्वेज में फिल्म काफी चली थी और उसके बाद में फिल्म का हिंदी में ऑफिशियल रिमेक बनाया गया जहां पे प्रोड्यूसर सेम थे कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट सेम था इसके अलावा कुछ कास्ट में चेंजेस किए गए जहाँ पे शाहिद कपूर को लेकर इस फिल्म की कहानी से एड की गई थी और फिल्म को ऑफिशियली जब अनाउंस किया गया वो था दो के ही टाइम पे जहाँ पे फिल्म वो अर्जुन रेड्डी की रीमेक आई हुई थी कबीर सिंह हिट होने के बाद इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे पता चला था कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना शायद हो सकती है श्रद्धा कपूर को भी कंसीडर किया जा रहा था शायद कपूर के अपोजिट लेकिन जब ऑफिशियल 14 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल कास्ट और क्रियो अनाउंस किया तब पता चला कि मोणाल ठाकुर को फाइनल किया हुआ है शाहिद कपूर के अपोजिट जहाँ पे शाहिद के फादर वो एक कोच मूर्ति वाला किरदार प्ले करने वाले पंकज कपूर ने जो रोल प्ले किया हुआ है वही रोल उससे पहले जो, जो सत्यराज ने प्ले किया हो था वही रोल पंकज कपूर ने इसमें बाली के नाम से प्ले किया हुआ था कोच का किदा फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 14 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में की गई थी जनवरी 2020 तक फिल्म की कई परसेंट शूटिंग कंप्लीट कर दी गई थी पे पेंडेमिक के दौरान फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था बाद में अक्टूबर महीने तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी और देहरादून दून में फिल्म की शूटिंग के कई सीक्वेंस शूट किए गए थे कुछ स्कूल में शूट किए गए थे कुछ ग्राउंड पे तो इस तरह से पूरी फिल्म की शूटिंग 14 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवा दी

तो इस फिल्म के यानी कि जर्सी फिल्म के जो तेलुगु वर्जन है उसके ओ राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जहाँ पर अमेजोन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को ऑफिशियली उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है सॉरी जर्सी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सोनी लिव सोनी लिव वालों ने बिल्कुल फ्री में इस फिल्म को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप जर्सी फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो अदरवाइज़ इस फिल्म के दूसरे वर्जन हैं उसको हॉटस्टार पे भी अवेलेबल किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्ज़न के राइट्स ख़रीदे हुए हैं गोल माइन्स टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म, फिल्म की डबिंग करवा दी है और उन्होंने इस फिल्म को यानी कि जर्सी के ओरिजिनल वर्ज़न को जर्सी के ही नाम से उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि गोल माइंस के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पर इस फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने जिन्होंने ओ राइट्स को अच्छे खासे प्राइस में खरीदा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को 20 मई 2022 के बाद उन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दिया था तो नेटफ्लिक्स के ऊपर फिलहाल में ये फिल्म आपको जर्सी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नानी वाली जो तेलुगु वर्जन की जर्सी है वो आपको सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर विथ सब uh, बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है तेलुगु वाले का जो डब्ड वर्जन है वो आपको गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी में देखने को मिलेगा इसके अलावा हिंदी वर्जन यानी कि शाहिद कपूर वाले की, की जर्सी फिल्म है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप ये सभी वर्जन इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर जैसी फिल्म के टेलीविज़न के राइट्स है वो जी एंटरटेनमेंट ने खरीदे हुए तो आने वाले कुछ समय में जी सिनेमा चैनल के ऊपर भी आपको जर्सी फिल्म हिंदी में देखने को मिल जाएगी तो गाइज इस तरह से जैसे आप सभी वर्जन में देख सकते हो बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जर्सी फिल्म ने पहले दिन पे पौने चार करोड़ का ओपनिंग डे किया हुआ था कलेक्शन वहीं पे साढ़े पांच करोड़ दूसरे दिन पे किए हुए थे तीसरे दिन पे भी साढ़े पाँच करोड़ फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस तरह से चौदह करोड़ पिचहत्तर लाख का फिल्म ने वीकेंड किया हुआ था वहीं पे सात मई दो तक फिल्म ने बाईस करोड़ पैंसठ लाख का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे चार करोड़ सैतालीस लाख का में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो वर्ल्ड करोड़ निकल के आया हुआ था। फिल्म का बजट था किया हुआ है। तो ये फिल्म, फिल्म थी। उसका मेन रीजन रिमेक और ऑडियंस रिमेक नहीं देखना चाहती थी क्योंकि उन्होंने अलावा फिल्म को जब पहले रिलीज करने वाले थे वो डेट 22 अप्रैल 2022 नहीं थी जो अभी फिलहाल में रिलीज वो डेट नहीं थी उसको पहले 28 अगस्त 2020 को सेट किया गया था बाद में कोविड 19 की वजह से चेंज करते हुए 5 नवंबर 2021 को सेट किया गया और बाद में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे उसकी वजह से 31 दिसंबर 2021 को फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया था लेकिन फिर से ओमिक्रॉन वायरस के चलते फिल्म को पोस्टपोन किया गया और उसके बाद में चौदह अप्रैल दो की डेट फाइनलाइज़ की गई लेकिन तब तमिल लैंग्वेज की बीस्ट और के जी वर्जन की फिल्म के चैप्टर टू दोनों फिल्म का बस काफ़ी बड़ा था दोनों मार्केट में काफ़ी बड़ी फिल्में थी तो उसके सामने फिल्म हो रही थी जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करते हुए एक वीक लेटर बाईस अप्रैल दो को रिलीज किया गया जहां पर फिल्म ने 28 से तीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन दिया हुआ है लाइफ टाइम का तो ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म उसी वजह से साबित हुई थी अदरवाइज़ फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यू हासिल किया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी लेकिन कुछ रीजंस के चलते कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिसके चलते फिल्म थिएटर में नहीं चली अदरवाइज अगर रेगुलर 2019 के टाइम के आसपास ये फिल्म आती जिस तरह से कबीर सिंह आई थी तो ये फिल्म भी दो करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती थी अगर आपको अभी फिलहाल में फिल्म शाहिद कपूर वाली जर्सी देखनी है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो वहां पे एंजॉय कर पाओगे और तेलुगु का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको यूट्यूब पे गोलम के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप तेलुगू हिंदी डब्ड और हिंदी वर्जन की जर्सी फिल्म देख सकते हो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से तो बस गाइज आज की वीडियो में इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बातें थी साथ ही में फिल्म के सभी प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी मैंने डिटेलिंग दे दिए स्टोरी एनालिसिस करके बता दी है फिल्म का एक ओवरऑल रिव्यू हो चुका है जिसमें मैंने आपको म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट और परफॉर्मेंसेस के बारे में सभी चर्चा करके बता दिए साथ ही में फिल्म कहाँ पे फ्री में ऑफिशियली अवेलेबल है कितने वर्जन में अवेलेबल है उसके ऊपर मैंने सटीक डिटेलिंग दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू